पर ड्रॉ किया है, जिसमें मैंने वॉल, विंडोज, डोर्स, यहाँ पर फर्नीचर्स भी हमने दिखाए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर फर्नीचर्स, यहाँ पर हमने छज्जा भी दिखाया है, उन्हें टैग किया है। यहाँ पर डोर के सिंबल आप देख सकते हो इस टाइप का। कॉलम्स भी हमने यहाँ पर लगाया है, थोड़ी सी लैंडस्केपिंग यहाँ पर की हुई है, और हमने अपने पूरे प्लान को यहाँ पर डायमेंशन के साथ दिखाया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्लान की प्रैक्टिस देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस प्लान को बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें वॉल्स बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें विंडो फिट करेंगे, विंडो फिट करने के बाद हम इसमें डोर्स फिट करेंगे, डोर फिट होने के बाद आप इसमें टेक्स्ट डाल सकते हो, टेक्स्ट होने के बाद इसमें हम लोग हैचिंग करेंगे, हैचिंग करने के बाद इसमें फर्नीचर फिट करेंगे, फर्नीचर होने के बाद हम इसमें कॉलम फिट करेंगे, और कॉलम होने के बाद थोड़ी सी हम लोग इसमें लैंडस्केपिंग करेंगे और उसमें हम लोग डायमेंशनिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑटोकैड को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं ऑटोकैड का 2020 वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास 2020 वर्जन नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास जो वर्जन अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करूंगा, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। आप देख सकते हो कि जो 2020 का वर्जन है ऑटोकैड का, वो थोड़ा सा डार्क थीम यहाँ पर दिया गया है। तो आपके पास कोई भी वर्जन अवेलेबल है, कमांड्स यहाँ पर सेम दिए हुए हैं, सिर्फ ये आइकॉन्स थोड़े से अलग हैं। तो आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो चलिए प्लान करने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। तो यूनिट सबसे पहले सेट करना है, यूएन इंटरफेस करना है, यहाँ पर आपको इंचेस सेट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आर्किटेक्चरल सेट करना है। आप देख सकते हो आर्किटेक्चरल, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिसीजन लगभग 1/2 और या फिर आप 1/4 रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने यूनिट सेट कर दिए हैं, ओके करना है यहाँ पर। ओके करने के बाद आपको लिमिट सेट करने हैं, LIM टाइप करना है अपने कीबोर्ड से, उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको पूछेगा स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो यहाँ पर आपको 0 प्रेस करना है, (0) एंटर, और यहाँ पर आपको 100 फीट बाय 100 फीट सेट करना है, 100 फीट (0) करना है, उसके बाद 100 फीट एंटर कीजिए यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर जूम ऑल कर सकते हो, जूम ऑल के लिए आप जेड एंटर ए एंटर कीजिए, Z प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, फिर A प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। तो हमने अपने यूनिट लिमिट सेट कर लिए हैं और जूम ऑल भी कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ टोगल कीज को ऑन कर सकते हो, देखिए यहाँ पर ग्रिड मोड ऑफ है, तो हमें इस लाइन की जरूरत नहीं है, तो मैं ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ऑर्थो मोड को भी ऑन कर लेता हूँ। तो आपके यहाँ पर 4 बटन सिर्फ ऑन होना चाहिए, डायनेमिक इनपुट, ऑर्थो मोड, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट स्नैप, ये 4 बटन आपके पीसी में ऑन होना चाहिए 2D वर्क के लिए। तो ये सारे सेटिंग करने के बाद अब हम जाएंगे अपने लेयर्स टूल बार की तरफ। तो देखिए यहाँ पर लेयर्स टूल बार अवेलेबल है। जैसा कि ऑटोकैड में अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं, तो जनरली उसे हम लोग लेयर्स में करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने प्लान के लिए लेयर्स सेट कर लेते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर अभी सिर्फ एक लेयर अवेलेबल है। न्यू लेयर बनाने के लिए आप यहां पर लेयर प्रॉपर्टीज में जा सकते हो, यहां पर आपको लेयर प्रॉपर्टीज में जाना है। उसके बाद यहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो कि यहां पर लिखा हुआ है लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर। तो यहां पर जाकर हम लोग अपने न्यू लेयर्स बना सकते हैं। तो जो भी आप प्लान में जो जो कंपोनेंट्स बनाने वाले हो, उसके लेयर्स आपको यहाँ पर बनाने होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लेयर्स बना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर न्यू लेयर ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हो, Alt+N। तो चलिए न्यू लेयर्स हम लोग बनाते हैं। जैसे कि हम अपने प्लान में अलग अलग कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वॉल्स, विंडोज, छज्जा, और यहाँ पर फर्नीचर्स भी हम लोग यूज करते हैं, हैचिंग करते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं हम लोग वहां पर, आप यहां पर डायमेंशन डालते हो, तो इन सारे कंपोनेंट के लेयर्स हमें यहां पर बनाने होंगे। तो लेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर न्यू लेयर पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहां पर एक न्यू लेयर बन चुका है। अब हम इसे रीनेम करते हैं। तो यहां पर रीनेम करने के लिए आप यहां पर नेम डाल सकते हो, 1 डॉट। सबसे पहले मैं यहां पर वॉल की लेयर बना लेता हूं, यहां पर मैं वॉल टाइप करता हूं। उसके बाद आपको इस वॉल लेयर में कुछ सेटिंग्स करने होंगे। तो यहां पर देख सकते हो कि यहां पर कलर सेट कर सकते हो अपने वॉल के लिए।
तो जो कलर आप यहाँ पर सेट करोगे उसी कलर के वॉल्स आपके प्लान में ड्रॉ होंगे। उसके बाद यहाँ पर लाइन टाइप भी यहाँ पर अवेलेबल है। जनरली हम लोग अपने वॉल्स के लिए कंटिन्यूअस लाइन टाइप का इस्तेमाल करते हैं, आप चाहो तो इसे बड़ा भी कर सकते हो यहाँ से। तो आप देख सकते हो कंटिन्यूअस लाइन टाइप यहाँ पर अवेलेबल है। अगर किसी लाइन को आपको हिडन में शो करना है तो आप यहाँ पर हिडन सेट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अपने वॉल के कलर को व्हाइट ही रख देता हूँ और लाइन टाइप को यहाँ पर कंटिन्यूअस रख देता हूँ। चलिए न्यू लेयर हम लोग बनाते हैं। इस बार हम लोग इस बटन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट प्लस एन प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक लेयर तैयार हो चुकी है। मैंने अपने कीबोर्ड से अल्ट प्लस एन प्रेस किया। अब यहाँ पर हम सेकेंड लेयर बनाते हैं। तो सेकेंड लेयर टाइप यहाँ पर बनाने के लिए आप लेयर का नाम डाल सकते हो, टू डॉट, यहाँ पर नंबर डालिए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डोर्स की लेयर और यहाँ पर मैं सेटिंग कर देता हूँ डोर्स के लेयर में। तो मैं इसके जो कलर को सेट करता हूँ वो कुछ रेड टाइप में सेट करता हूँ। देख सकते हो आप यहाँ पर रेड कलर में सेलेक्ट करता हूँ, रेड कलर, या फिर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओके करना है आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका रेड कलर सेट हो गया है। लाइन टाइप आपको कंटिन्यूअस ही रखना है। नेक्स्ट हम लोग अगेन न्यू लेयर करेंगे, यहाँ पर अल्ट प्लस एन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद अल्ट प्लस एन प्रेस करना है, थ्री डॉट, तो यहाँ पर मैं थ्री प्रेस करता हूँ, थ्री डॉट, यहाँ पर मैं विंडो की लेयर बना देता हूँ, विंडोज, और यहाँ पर मैं कलर सेट कर देता हूँ विंडो के लिए अपने, तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर सेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर विंडो के लिए भी कलर सेट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं न्यू लेयर अगेन ट्राई करता हूँ, यहाँ पर फोर्थ लेयर हम लोग बनाते हैं, फोर डॉट, यहाँ पर मैं छज्जा की लेयर बना देता हूँ और इसे हम लोग कलर करेंगे कुछ पिंक टाइप में। तो मैं यहाँ पर पिंक टाइप डाल देता हूँ, यहाँ पर पिंक, और यहाँ पर हमें जो लाइन टाइप छज्जा की रखनी है वो है हिडन। तो यहाँ पर आपको इसकी लाइन टाइप को चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो कि नया डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो चुका है, सिलेक्ट लाइन टाइप। तो यहाँ पर आप लोड कीजिए सबसे पहले। लोड करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर और एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर हिडन टाइप। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हिडन टाइप अवेलेबल है, ओके करना है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ इस लिस्ट में हिडन टाइप अवेलेबल हो गया है, तो इस पर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। तो आप देख सकते हो कि लाइन टाइप आप यहाँ पर हिडन सेट हो गया है। तो छज्जा की भी लेयर हमने यहाँ पर बना ली है। नेक्स्ट लेयर बनाते हैं, फिफ्थ डॉट, यहाँ पर मैं हैचिंग की लेयर बना देता हूँ, हैचिंग, और फिर अगर आपको यहाँ पर एंटर भी प्रेस करते हो और फिर से एक बार एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगेन न्यू लेयर बन चुका है। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हो डबल तो भी आप न्यू लेयर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिक्स डॉट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं न्यू लेयर यहाँ पर बनाता हूँ कॉलम। तो कॉलम की लेयर बनाते हैं, यहाँ पर मैं हैचिंग के लिए भी एक कलर सेट कर देता हूँ, तो ग्रे कलर मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ओके, और कॉलम के लिए मैं यहाँ पर रेड कलर सेट कर देता हूँ, तो रेड कलर, ओके, तो यहाँ पर रेड कलर हो गया है। मगर लाइन टाइप भी यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस सेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यूअस सेट कर देता हूँ और यहाँ पर भी कॉलम को आपको कंटिन्यूअस लाइन टाइप सेट कर देना है। तो मैंने दोनों के लिए कंटिन्यूअस सेट कर दिया है। अगेन यहाँ पर मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ, यहाँ पर सेवन्थ लेयर हम लोग बनाते हैं, सेवन डॉट फर्नीचर के लिए, तो फर्नीचर डालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने सारे लेयर्स यहाँ पर बना लिए हैं। इसी लेयर का इस्तेमाल करके हम लोग अपने प्लान्स बनाएंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर 12 लेयर बनाए हैं। अगर आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा लेयर्स बना सकते हो या फिर आप इससे भी कम लेयर में भी काम कर सकते हो। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने लेयर में काम करना चाहते हो। जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स आपके प्लान में होंगे उतने ज़्यादा लेयर्स आप बना सकते हो। तो अब हमने अपने सारे सेटिंग्स इस लेयर में कर रखे हैं, तो बाद में हमें कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसे कट कर देते हैं। यहाँ से आपको यहाँ से कट कर देना है, देख सकते हैं यहाँ पर कट कर देना है इसे। कट करने के बाद आप अपने वॉल्स यूज कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग इस लेयर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप अगर क्लिक करते हो तो सारे लेयर्स यहाँ पर आ चुके हैं। जो भी लेयर्स हमने बनाए थे सारे लेयर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जब भी हम कोई कंपोनेंट अपने प्लान में ड्रॉ करेंगे तो इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉ करेंगे। समझिए, आप अगर अपने प्लान के वॉल्स बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वॉल लेयर पे क्लिक करना है
और उसके बाद आपको अपने वॉल के लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। तो मैं यहाँ पर समझिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 10 फीट, यहाँ पर मैं वॉल की थिकनेस डाल देता हूँ 9 इंच, और यहाँ पर अगेन 10 फीट मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मैंने वॉल ड्रॉ कर ली है। इसका कलर जनरली व्हाइट कलर में ये आया है क्योंकि हमने अपने वॉल के लेयर में ये सेट किया हुआ है कि इस लेयर का कलर व्हाइट है। अगर हम यहाँ पर कोई डोर बनाना चाहते हैं या फिर विंडो बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर विंडो के लेयर में सिलेक्ट करना होगा ये विंडो, और उसके बाद आप इस वॉल में विंडो ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि लाइन लेने के बाद अगर मैं यहाँ पर मिड में एक लाइन बनाता हूँ, आप देख सकते हो कि ये एक ब्लू कलर में नजर आ रहा है क्योंकि इस लेयर में हमने सेट किया हुआ है कि इस लेयर में हम जो कुछ भी ड्रॉ करेंगे वो ब्लू कलर में होगा। तो यहाँ पर एक बार लेयर बनाने के बाद आपको प्रॉपर्टीज में कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। अगर आप यहाँ से बाय लेयर को चेंज करते हो और कोई भी अलग कलर सेट करते हो, तो यहाँ पर तो आपके लेयर्स ओवरराइड हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर रेड कलर सेट कर सकते हो, तो अगर आप विंडो के लेयर्स में भी अगर लाइन बनाते हो फिर भी वो रेड कलर में यहाँ पर ड्रॉ होंगे। तो यहाँ पर आपको कलर चेंज नहीं करना है, यहाँ पर आपको बाय लेयर्स ही रखना है सबके सेटिंग्स। आप चाहो तो यहाँ पर लाइन वेट चेंज कर सकते हो। हमने यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हो कि वॉल के यहाँ पर आपने लाइन वेट हमने सेट नहीं किया है। तो वॉल के लेयर में हमने यहाँ पर लाइन वेट किसी के लिए भी सेट नहीं किया है। तो आप चाहो तो वॉल के लिए यहाँ पर लाइन वेट सेट कर सकते हो। लाइन वेट का मतलब होता है कि लाइन की थिकनेस। अगर आपको अपने प्लान में कोई भी वॉल के लाइंस डार्क चाहिए तो आप लाइन वेट यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मैं वॉल के लिए यहाँ पर लाइन वेट सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लाइन की जो थिकनेस है वो सेट कर दूंगा 0.35 पे, और यहाँ पर मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लाइन वेट जो है वॉल के लिए चेंज कर दी है। अब मैं इसे कट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप वॉल लेते हो तो यहाँ पर आपको लाइन वेट जो है वो डार्क मिलेगा, और विंडो के लिए यहाँ पर लाइन वेट कम है। तो मैंने यहाँ पर विंडो के लिए ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ पर 2 फीट। यहाँ पर मैं इन लाइन्स को ऑफसेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक मिडल में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरे विंडो ड्रॉ हो गए हैं। अगर इसके छज्जा आपको ड्रॉ करने हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर छज्जा लेयर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर पॉलीलाइन का इस्तेमाल करके छज्जा ड्रॉ कर सकते हो। पॉलीलाइन 0.15, सॉरी यहाँ पर मैं 6 इंच डाल देता हूँ, 6 इंच, एंटर। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर 1 फीट 6 इंच जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है 5 फीट, और यहाँ पर आप क्लोज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हमने जो यहाँ पर छज्जा के लाइन ड्रॉ किए हैं ये पहले से ही हिडन आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि हमने इस लेयर में सेटिंग की हुई थी कि हमारे लाइंस जो होंगे छज्जा के वो हिडन में होंगे। तो इसलिए हमें बाद में कोई भी सेटिंग नहीं करनी पड़ी। आपको इसकी सिर्फ यहाँ पर डॉटेड की साइज जो है आपको यहाँ पर चेंज करनी होगी। वो आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक ऑप्शंस में जाके यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं 15 कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लाइन टाइप स्केल भी यहाँ पर चेंज हो गया है। चलिए सबसे पहले हम अपने प्लॉट को ड्रॉ करते हैं जिसकी साइज है 60 फीट बाय 50 फीट। तो उसके लिए हम लोग लाइन लेते हैं यहाँ पर, एल एंटर, और यहाँ पर मैं 60 बाय 50 के एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 60 फीट एंटर, और ऊपर की तरफ 50 फीट एंटर। अगेन मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में 60 फीट एंटर, और मैं यहाँ पर क्लिक करके इस लाइन को क्लोज कर देता हूँ। तो मैं अब एस्केप करता हूँ यहाँ पर। तो ये हो गए हमारे प्लॉट के बाउंड्री लाइंस। तो चलिए यहाँ से हम लोग सेटबैक डिस्टेंस यहाँ पर ऑफसेट करते हैं। तो सेटबैक डिस्टेंस अपने बाउंड्री लाइन से आपको यहाँ पर ऑफसेट करना है। तो ऑफसेट के लिए आपको अपने कीबोर्ड से ओ प्रेस करना है और यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस सेट करना है। मैं यहाँ पर 5 फीट का सेटबैक डिस्टेंस यहाँ पर डाल देता हूँ। तो 5 फीट एंटर। तो यहाँ पर हम लोग अपने प्लॉट के लिए सेटबैक डिस्टेंस सेट करना जरूरी है। ये डिस्टेंस जनरली हम लोग वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और भी बहुत सारे पर्पज होते हैं इस सेटबैक डिस्टेंस को प्रोवाइड करने के। तो यहाँ पर जो मैं फ्रंट साइड से यहाँ पर 10 फीट का सेटबैक डिस्टेंस यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर 10
फिट प्रेस करूंगा और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपने प्लॉट के बाउंड्री लाइन से यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस ऑफसेट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइंस अवेलेबल है जिसे आप ट्रिम कर सकते हो, या फिर ट्रिम से अच्छा होगा कि यहाँ पर आप फिलेट यूज कीजिए। तो मैं दोनों का इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर ट्रिम के लिए आप टी आर डबल एंटर कर सकते हो, टी आर प्रेस करना है और डबल एंटर प्रेस करना है आपको। तो डबल एंटर करने के बाद आपको इन लाइंस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर लाइंस जो है यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सारे लाइंस पर क्लिक करना होगा ट्रिम करने के लिए। अब मैं आपको इसी को फिलेट करके दिखाता हूँ। फिलेट के लिए आपको एफ एंटर करना है। जनरली फिलेट का इस्तेमाल हम लोग कॉर्नर को ड्रॉ करने के लिए करते हैं, या फिर फिलेट से आप अपने कॉर्नर्स को राउंड भी कर सकते हो। तो जनरली हम लोग इसे कॉर्नर के लिए करते हैं। एफ एंटर करना है आपको और इन दोनों लाइंस पे आपको क्लिक करना है। फिर से स्पेस करके आप अपने कमांड को रिपीट कर सकते हो। याद रखिए ऑटोकैड में अगर कोई भी कमांड आपको रिपीट करनी है तो आप स्पेस बार या फिर एंटर प्रेस कर सकते हो। तो मैं यहां पर स्पेस कर देता हूं और इन दोनों लाइन पे क्लिक, और फिर से स्पेस इन दोनों लाइन पे क्लिक, स्पेस इन दोनों लाइन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आप अपने कमांड को रिपीट कर सकते हो ऑटोकैड में स्पेस बार या फिर एंटर से। आपको याद रखना है कि ऑटोकैड में स्पेस बार और एंटर का काम जनरली सेम ही होता है। तो यहां पर मैंने अपने प्लॉट के बाउंड्रीज और बिल्डिंग के बाउंड्रीज ड्रॉ कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग प्लॉट के जो बाउंड्रीज हैं उनका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हम लोग इसे समझ पाए इजिली। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां से बाय लेयर में जाके मैं इसका कलर रेड कर देता हूं। तो आप इस तरह से अपने लेयर को ओवरराइड भी कर सकते हो। तो मैंने इस बाउंड्री का कलर चेंज कर दिया है। अब आप देख सकते हो यहां पर हमारे जो बिल्डिंग के बाउंड्रीज है यहां पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो बिल्डिंग के बाउंड्रीज आपको नजर आ रहे हैं यहां से एक्सटर्नल वॉल थिकनेस आपको ऑफसेट करना है। तो जनरली जो हम लोग एक्सटर्नल वॉल थिकनेस लेते हैं वो 9 इंच की प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यहां पर 9 इंच की वॉल की थिकनेस लूंगा। तो आपको वॉल की थिकनेस लेने के लिए अपने कीबोर्ड से ऑफसेट प्रेस करना है। ऑफसेट से आप अपने लाइंस को पैरेलली कॉपी कर सकते हो। तो ऑफसेट कॉपी करने के लिए यूज होता है। तो चलिए ऑफसेट लेते हैं। ओ एंटर प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, ओ एंटर। उसके बाद यहां पर आपको ऑफसेट डिस्टेंस सेट करना है। तो मैं यहां पर 9 और यहां पर इंच का सिंबल डाल देता हूं। यहां पर एंटर करते हैं। यहां पर तो देखिए मैंने यहां पर 9 इंच रख दिया है। एंटर करेंगे और उसके बाद यहां पर आपको पिक बॉक्स का इस्तेमाल करना है। लाइन पे क्लिक करना है और आप जिस साइड पे क्लिक करोगे ऑफसेट उस साइड पे ड्रॉ होगा। तो मैं यहां पर अंदर की तरफ ऑफसेट कर देता हूं, फिर इस लाइन पे क्लिक और नीचे की तरफ ऑफसेट, उसके बाद इस लाइन पे क्लिक अंदर की तरफ ऑफसेट और फिर नीचे की लाइन पे क्लिक और ऊपर साइड पे ऑफसेट। तो आप देख सकते हो कि हमने अपने जो बिल्डिंग के एक्सटीरियर वॉल्स है उन्हें ऑफसेट कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग इंटीरियर वॉल के लाइंस को ऑफसेट करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो कि जो ऊपर के बेडरूम्स यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, जो इनके जो मेजरमेंट्स दिए हुए हैं वो है 11 फीट बाय 15 फीट। 11 फीट का मतलब है 11 हॉरिजॉन्टली और 15 फीट वर्टिकली। तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ऑफसेट करता हूँ। यहाँ पर ओ फॉर ऑफसेट यहाँ पर करना है, ओ एंटर। उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्टेंस सेट कर लेता हूँ 11 फीट, एंटर करेंगे। और उसके बाद आपको इस लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग इंटीरियर वॉल की थिकनेस यहाँ पर ऑफसेट करेंगे जो कि जनरली 6 इंच या फिर 4 इंच आप यहाँ पर ले सकते हो। तो इंटीरियर वॉल मैं यहाँ पर 6 इंच की प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर लाइन पे क्लिक करता हूँ और लेफ्ट साइड में अपने कर्सर को लेकर आता हूं। यहां पर आपको इस डिस्टेंस को चेंज करना है। याद रखिए कि जो अपने डिस्टेंस ऑफसेट करते वक्त सेट किया था वही डिस्टेंस रिपीट होंगे, तो इसलिए आप यहां पर चेंज कर सकते हो। डायरेक्टली 6 इंच प्रेस कर दीजिए और यहां पर एंटर आपको प्रेस करना है। तो देखिए यहां पर 6 इंच का ऑफसेट हो गया है। फिर से मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूं और यहां पर लेफ्ट साइड पे क्लिक करता हूं, अगेन 11 फिट। और यहां पर फिर से मैं क्लिक करूंगा लाइन पर और उसके बाद लेफ्ट पे कर्सर लाने के बाद यहां पर मैं 6 और इंच यहां पर प्रेस करूंगा एंटर। तो आप देख सकते हो हमने दो वॉल यहां पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम यहां पर बात के लिए ऑफसेट लेते हैं जो कि है 4 बाय 7 फीट। तो मैं हॉरिजॉन्टली यहां पर ऑफसेट कर देता हूं जो कि है 4 फीट, एंटर। और उसके बाद मैं यहां पर फिर से क्लिक करूंगा और लेफ्ट साइड में आने के बाद 6 इंच ऑफसेट करेंगे, एंटर। उसके बाद हम यहां पर फिर से ऑफसेट करेंगे 11 फीट और यहां पर हम एक्सटेरियर वॉल की थिकनेस ऑफसेट करेंगे जो कि है 9 इंच।
तो यहां पर जो ये जो वॉल है वो है एक्सटीरियर वॉल, इसलिए मैंने यहां पर एक्सटीरियर वॉल के डिस्टेंस यहां पर ऑफसेट किया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर वर्टिकल लाइंस को ऑफसेट कर लिया है। तो चलिए हम लोग यहां पर वर्टिकल ऑफसेट ले लेते हैं अपने रूम के लिए, जो कि है 15 फीट। तो मैं यहां पर ऑफसेट लेता हूं और एंटर, और यहां पर सेट कर देता हूं डिस्टेंस 15 फीट। एंटर करेंगे, उसके बाद आपको इस लाइन पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर 9 इंच सेट कर देना है। तो यहाँ पर जो वॉल प्रोवाइड की गई है आप देख सकते हो कि प्लान में, तो यहाँ पर 9 इंच की वॉल प्रोवाइड की गई है। तो मैंने भी यहाँ पर 9 इंच प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ पर बाथ के लिए हम लोग एक वॉल ऑफसेट करेंगे, ओ एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर हम लोग 7 फीट का ऑफसेट यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 7 फीट डाल देता हूँ और यहाँ पर नीचे की तरफ ऑफसेट, फिर से लाइन पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ 6 इंच ऑफसेट कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसके भी ऑफसेट ले लिया है। तो चलिए हम अपने वॉल्स को ट्रिम करते हैं। तो ट्रिम करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से TR सिंगल एंटर प्रेस कर सकते हो, तो TR प्रेस करना है, या फिर आप यहाँ पर रिबन में, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रिम कमांड अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप ट्रिम कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ से क्लिक करके। मैं यहाँ पर शॉर्टकट का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो TR सिंगल एंटर आपको प्रेस करना है। सिंगल एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर राइट टू लेफ्ट यहाँ पर इस टाइप का सिलेक्शन करना है। तो देखिए मैंने इस टाइप से सिलेक्ट करता हूँ इन लाइंस को, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद आपको इन लाइंस पे इस तरह से क्लिक करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन लाइंस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इस तरह से ट्रिम यहाँ पर पोर्शन हो जाएगा। ये देखिए इतने ही लाइंस हमें यहाँ पर ज़रूरत थी। अगर आप TR डबल एंटर प्रेस करते हो, TR डबल एंटर प्रेस करते हो, तो यहाँ पर अगर आप ट्रिम करोगे तो सिर्फ यहाँ पर इस रूम का पोर्शन रिमूव होगा, यहाँ के लाइंस आपके यहाँ पर बच जाएंगे। तो इसे आपको फिर बाद में डिलीट करना होगा। तो इस तरह से अगर डबल एंटर करते हो तो इस तरह से ट्रिम होंगे, और अगर आप TR सिंगल एंटर प्रेस करते हो और इसे एज ए बाउंड्री सिलेक्ट करते हो, देखिए यहाँ पर इन लाइंस को मैंने बाउंड्री सिलेक्ट कर लिया है, एंटर प्रेस करते हैं, और तो होगा क्या कि ये जो आपके बाउंड्री सिलेक्ट हुए हैं इसके साइड के लाइंस पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। तो मैंने इन सारे लाइंस को रिमूव कर दिया है। तो यहां पर मैं एक्स्ट्रा जो और मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं इन्हें भी रिमूव कर देता हूं। TR सिंगल एंटर, TR सिंगल एंटर करते हैं, यहां पर इन लाइंस को इस तरह से मैं सेलेक्ट करूंगा सारे लाइंस को, और यहां पर एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं यहां से राइट पे क्लिक और यहां पर लेफ्ट पे क्लिक करके इन सारे लाइंस को रिमूव कर दूंगा। और यहां पर हमें ओपनिंग प्रोवाइड करना है, तो मैं यहां पर अगेन TR डबल एंटर प्रेस करके यहां पर रिमूव कर सकता हूं। तो कभी कभी आप TR डबल एंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कभी कभी आप TR सिंगल एंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो। तो यहां पर हम लोग इन लाइंस को रिमूव कर लेते हैं TR सिंगल एंटर। तो सिंगल एंटर करने के बाद इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, और फिर से हम लोग इन सारे लाइंस को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर जो लाइंस बच रहे हैं ये लाइंस ट्रिम आप नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पर ये ट्रिम नहीं हो रहा है, तो इन्हें आपको डिलीट करना होगा। तो याद रखिए जो लाइंस आपके ट्रिम नहीं होंगे वो उन लाइंस को आपको डिलीट करना होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह का कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, देख सकते हो TR यहाँ पर अगर मैं डबल एंटर करता हूँ, इस लाइन को तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, मगर ये जो लास्ट में ये जो बच रहा है पोर्शन इसे मैं रिमूव नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो लास्ट की लाइन है रिमूव नहीं होगी, तो आपको इसे डिलीट करना होगा, सेलेक्ट डिलीट इस तरह से। तो लास्ट की लाइन हम लोग यहाँ पर जो इंडिविजुअल लाइन है उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे ट्रिम का इस्तेमाल करके, तो इसे आपको डिलीट करना होगा। तो हमने ऊपर के बेडरूम्स और बाथ को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, चलिए नीचे के रूम्स हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर हॉल जो हमें दिया हुआ है वो 19 फीट 6 इंच बाय 17 फीट 9 इंच यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए ऑफसेट लेते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली, ओ फॉर ऑफसेट, यहाँ पर आपको 19 फीट प्रेस करना है और 6 इंच प्रेस करना है। तो दोनों वैल्यूज आपको एक साथ यहां पर टाइप करने हैं और आपको यहां पर एंटर प्रेस करना है। उसके बाद हम लोग यहां पर लाइन पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर मैं लाइन पर क्लिक करता हूं और यहां पर राइट साइड पे क्लिक कर देता हूं, और उसके बाद अगेन मैं यहां पर लाइन पे क्लिक करूंगा और यहां पर प्रेस करूंगा 6 इंच वॉल की थिकनेस। थोड़ा सा मुझे यहां पर जो हमारा क्रॉस हेयर कर्सर जो नजर आ रहा है उसका जो पिक बॉक्स है मुझे बहुत छोटा लग रहा है, तो आप यहां पर पिक बॉक्स की साइज भी बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आपको माउस से राइट क्लिक करना है,
राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर ऑप्शंस में जाना है, आप देख सकते हो ऑप्शंस, क्लिक करेंगे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शंस के लिए, तो आपको सिलेक्शन में यहाँ पर जाना है, तो आप देख सकते हो सिलेक्शन ऑप्शन यहाँ पर, सिलेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर पिक बॉक्स ऑप्शन अवेलेबल है, आप देख सकते हो पिक बॉक्स, तो यहाँ पर मैं इसकी साइज जो है यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, चाहो तो आप अपने ग्रिप की साइज भी यहाँ पर बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर मैं पिक बॉक्स की साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, अब मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, तो देखिए मेरा जो यहाँ पर पिक बॉक्स नजर आ रहा है उसकी साइज अब बड़ी है, तो इससे क्या होगा कि आप कुछ भी सिलेक्शन करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पिक बॉक्स का इस्तेमाल जनरली सिलेक्शन के लिए होता है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको कर्सर अच्छे से नज़र भी आएगा। तो मैंने यहाँ पर अपने वॉल के लिए ऑफसेट कर लिया है, चलिए अब स्टेयर केस के लिए ऑफसेट करते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 6 फीट 6 इंच के लिए, तो ओ फॉर ऑफसेट 6 फीट प्रेस करना है और 6 इंच प्रेस करना है, एंटर करेंगे यहाँ पर, उसके बाद लाइन पे क्लिक और यहाँ पर राइट पे क्लिक, फिर से लाइन पे क्लिक और यहाँ पर 6 इंच प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर किचन के लिए ऑफसेट कर लेता हूँ, जो कि है 12 फीट बाय 14 फीट, तो हॉरिजॉन्टली 12 फीट है, तो मैं यहाँ पर लाइन 12 फीट एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं 6 इंच के लिए ऑफसेट कर देता हूँ, 6 इंच यहाँ पर, और एंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर बात के लिए भी ऑफसेट यहाँ पर आप कर सकते हो, तो आप देख सकते हो बात के लिए जो स्पेस अवेलेबल है उसका डिस्टेंस हमें 4 फीट बाय 7 फीट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 4 फीट एंटर और यहाँ पर 6 इंच एंटर, और उसके बाद ऊपर की तरफ से मैं यहाँ पर ऑफसेट कर देता हूँ इस लाइन को नीचे की तरफ 7 फीट एंटर, और फिर से मैं क्लिक करके यहाँ पर 6 इंच प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है, और फिर यहाँ पर 4 फीट अगेन ऑफसेट करेंगे हम लोग WC के लिए, तो 4 फीट के लिए ऑफसेट एंटर, और अगेन यहाँ पर वॉल की थिकनेस 6 इंच एंटर, तो आप चाहो तो यहाँ पर एक्सटीरियर वॉल होने की वजह से आप यहाँ पर 9 इंच ऑफसेट भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर 9 इंच कर देता हूँ 9, और यहाँ पर इंच प्रेस करेंगे एंटर, तो ये जो है एक्सटीरियर वॉल है, तो मैं यहाँ पर 9 इंच प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पर। अब हम इसे ट्रिम कर सकते हैं यहाँ पर बाथ और WC ड्रॉ करने के लिए, तो मैं यहाँ पर ट्रिम सिंगल एंटर प्रेस करूंगा, TR सिंगल एंटर, इन लाइंस को आपको सिलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पर इन लाइंस को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, क्लिक और फिर एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करने के बाद आपको इन लाइंस को इस तरह से सिलेक्ट करके ट्रिम कर देना है, देखिए यहाँ पर, और मैं इसे भी ट्रिम कर देता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर मैं स्केप करके फिर से ट्रिम ले लेता हूँ, TR सिंगल एंटर, इसको बाउंड्री सिलेक्ट करेंगे एंटर, और फिर इस पोर्शन को रिमूव कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने एक्सटीरियर वॉल यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं, इस पोर्शन के वॉल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप इसे ट्रिम कर सकते हो, तो यहाँ पर भी मैं TR डबल एंटर करेंगे फिर भी चलेगा, यहाँ पर इस तरह से आप क्रॉस करके भी यहाँ पर ट्रिम कर सकते हो, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, लास्ट के जो लाइन्स हैं उसे हमें डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए मैंने यहाँ पर वॉल्स ले लिए हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा वॉल्स यहाँ पर आ गए हैं, तो TR सिंगल एंटर, इन्हें सेलेक्ट करेंगे एंटर और यहाँ पर ट्रिम, तो ये भी हमारे बाथ और WC यहाँ पर रूम मिल गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग किचन ड्रॉ करेंगे, किचन के लिए वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो 14 फीट है, ऑफसेट यहाँ पर 14 फीट एंटर, उसके बाद वॉल पे क्लिक, ऊपर की तरफ क्लिक और यहाँ पर फिर से क्लिक और यहाँ पर 6 इंच के लिए ऑफसेट कर देते हैं, ट्रिम करेंगे TR सिंगल एंटर, यहां पर सिलेक्ट करेंगे एंटर करेंगे और यहां पर ट्रिम, इस तरह से आप इसे ट्रिम कर सकते हो, देखिए हमारे यहां पर किचन के लाइंस भी यहां पर ड्रॉ हो गए हैं, तो यहां पर आपको ओपनिंग प्रोवाइड करना है, तो मैं क्या करता हूं कि एक लाइन लेता हूं यहां से इस तरह से स्ट्रेट, अब मैं यहां पर ट्रिम का इस्तेमाल करूंगा, TR डबल एंटर प्रेस करना है, उसके बाद इन लाइंस को यहां पर ट्रिम कर देना है, तो इस तरह से मैंने ट्रिम कर दिया है, तो यहाँ पर जो वॉल बच गए हैं इसे हम ट्रिम कर देते हैं यहाँ पर TR डबल एंटर, और इन लाइंस को भी हम लोग यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमने अपने प्लान के वॉल्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ते हैं, तो अब वॉल बनाने के बाद आपको सेकंड स्टेप करना है कि अपने डोर के ओपनिंग्स को यहाँ पर रेडी करना है, तो जो भी आपके रूम्स है उनके लिए डोर जहां पर आपका पोजीशन है वहां पर आपको डोर के लिए ओपनिंग प्रोवाइड करने हैं, तो ओपनिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ऑफसेट और ट्रिम का इस्तेमाल करेंगे यहां पर, तो
ऑफसेट और ट्रिम का इस्तेमाल करके हम लोग ओपनिंग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हॉल के लिए ओपनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ओपनिंग प्रोवाइड करने के लिए आपको डोर के साइजेस पता होना जरूरी है। जनरली जो हम लोग सबसे यहाँ पर छोटी साइज इस्तेमाल करते हैं वो WC और बाथ के लिए यूज करते हैं। तो WC और बाथ के लिए जो हम लोग साइज यूज करते हैं वो है 2.5 फीट, जो कि होता है 2 फीट एंड 6 इंच। तो WC और बाथ के लिए हम लोग 2 फीट और 6 इंच के डोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर हम लोग उसके बाद बेडरूम्स के जो डोर्स होते हैं जनरली 3 फीट के होते हैं, तो उसके लिए हम लोग 3 फीट के ओपनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और जो हमारे मेन डोर्स यहाँ पर होते हैं, तो मेन डोर की साइज़ थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर ज़्यादा रखते हैं। तो आप मेन डोर की साइज़ 4 फीट और 5 फीट, तो आप चाहो तो अपने मेन डोर्स को 4 फीट और 5 फीट का यहाँ पर ले सकते हो। तो मैं जो अपने प्लान में मेन डोर प्रोवाइड करने वाला हूँ उसकी साइज होगी 5 फीट। तो 5 फीट की ओपनिंग बनाने के लिए आपको ऑफसेट लेना है यहाँ पर, ओ एंटर। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्टेंस सेट करना है 5 फीट, एंटर। उसके बाद आपको इस लाइन पे क्लिक करना है वॉल के, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम लोग इस लाइन को ट्रिम करेंगे, तो TR प्रेस करना है। यहाँ पर आप डबल एंटर प्रेस कर सकते हो और इस लाइन पे क्लिक, और इन दोनों लाइन को हम लोग क्रॉस करके यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ओपनिंग प्रोवाइड हो गई है। तो हमारे मेन डोर की ओपनिंग यहाँ पर हो गई है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग अपने बेडरूम के लिए यहाँ पर ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिस जो कि है 3 फीट। तो 3 फीट की ओपनिंग हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। 3 एंटर प्रेस करना है ऑफसेट करने के बाद, यहाँ पर 3 फीट एंटर, और यहाँ पर इस लाइन पे क्लिक, और यहाँ पर लेफ्ट पे क्लिक। उसके बाद हम लोग यहाँ पर TR सिंगल एंटर करेंगे, TR सिंगल एंटर। इन लाइंस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद इस लाइन पे क्लिक, इस लाइन पे और इस लाइन पे। तो देखिए यहाँ पर वॉल के में ओपनिंग प्रोवाइड हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 3 फीट की ओपनिंग होगी। तो ऑफसेट 3 फीट एंटर, यहाँ पर मैं ऑफसेट कर देता हूँ। TR सिंगल एंटर, यहाँ पर लाइंस को सिलेक्ट, एंटर, यहाँ पर ट्रिम कर देना है सारे लाइंस। इसी तरह से इस बेडरूम के लिए ऑफसेट ओ एंटर, यहाँ पर 3 फीट एंटर प्रेस करना है। देखिए यहाँ पर पहले से ही 3 फीट वैल्यू डाली हुई है, तो अगर इस तरह से आता है तो सिर्फ आपको एंटर प्रेस करना है, वैल्यू टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप एंटर प्रेस कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पर 3 फीट का ऑफसेट कर सकते हो। उसके बाद TR सिंगल एंटर, इन लाइंस को सिलेक्ट करना है, एंटर। उसके बाद इन्हें ट्रिम कर देना है। तो मैंने यहाँ पर अपने बेडरूम्स के लिए भी ओपनिंग प्रोवाइड कर ली है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बाथ के लिए यहाँ पर डोर के लिए ओपनिंग करते हैं, जो कि होता है 2 फीट 6 इंच। तो मैं ऑफसेट करूँगा यहाँ पर 2 फीट और यहाँ पर 6 इंच। तो इस तरह से आपको लिखना है यहाँ पर 2 फीट 6 इंच, एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद यहाँ पर हम लोग लाइन पे क्लिक और यहाँ पर लेफ्ट पे क्लिक। अब मैं यहाँ पर TR सिंगल एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं इन लाइंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर। उसके बाद इसे हम लोग ट्रिम करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके लिए हम लोग ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे बाथ और WC, ओ फॉर ऑफसेट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले से ही प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर डाली हुई है 2 फीट 6 इंच। तो मैं फिर सिर्फ यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप लाइन पे क्लिक, ऊपर की तरफ क्लिक, लाइन पे क्लिक, नीचे की तरफ क्लिक, TR सिंगल एंटर, यहाँ पर सेलेक्ट करना है इन सारे लाइंस को और एंटर करना है। उसके बाद इन लाइंस पे इस तरह से आपको ट्रिम कर देना है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो यहाँ पर ट्रिम नहीं हो रही है, तो मैंने यहाँ पर इंडिविजुअली इसे ट्रिम कर दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने सारे ओपनिंग बना लिए हैं। यहाँ पर किचन की एक ओपनिंग यहाँ पर रह गई है, तो मैं यहाँ पर ऑफसेट करके यहाँ पर भी ओपनिंग कर देता हूँ 3 फीट, एंटर। तो यहाँ पर हम लोग डोर तो फिट नहीं करेंगे, मगर यहाँ पर हम लोग ओपनिंग प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रिम कर लिया है। तो सारे ओपनिंग्स हमने अपने प्लान के लिए, डोर के लिए यहाँ पर कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पर जो आपको वॉल्स में ये जो एक्स्ट्रा लाइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो इन लाइंस को आपको ट्रिम करके क्लीन कर लेना है। तो विंडो फिट करने से पहले इन लाइंस को ट्रिम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो अपने विंडोज फिट करते हैं वो रूम के सेंटर पे फिट करते हैं, और रूम का जो सेंटर हमें मिलता है वो इन लाइंस को ट्रिम करने के बाद ही मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर आपको इस रूम का सेंटर चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लाइन हमें दी हुई है इसका सेंटर हमें यहाँ पर दिखा रहा है।
तो यहां पर दिखा रहा है अगर आप यहां पर इन लाइंस को ट्रिम कर देते हो, टी आर डबल एंटर, तो देखिए यहां पर मैं अगर इन लाइंस को ट्रिम कर देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है वो इंडिविजुअल लाइन बाकी रह गई है यहां पर, और यहां पर सेंटर भी हमें यहां पर मिल रहा है। तो अगर इस लाइन को आप ट्रिम नहीं करते हो तो आपको रूम का सेंटर मिलने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप इन सारे लाइंस को यहां पर ट्रिम कर लीजिए, टी आर डबल एंटर। तो इन सबको आपको ट्रिम करना है विंडो बनाने से पहले। तो हमने यहां पर सारे लाइंस को ट्रिम कर लिया है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जाते हैं जो कि है विंडोज। तो विंडो बनाने के लिए आप डायरेक्टली यहां पर डायरेक्ट विंडो यहां पर बना सकते हो विंडो के सिंबल्स, या फिर आप साइड में विंडोज के सिंबल बनाने के बाद यहां पर फिट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहां पर विंडो के सिंबल को यहां पर सबसे पहले बना लेते हैं। तो विंडो के सिंबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको विंडो के मेजरमेंट्स को पता होना चाहिए। तो विंडो का सिंबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको विंडो के मेजरमेंट्स पता होने चाहिए। तो जनरली सबसे जो छोटी विंडो होती है वो जनरली 3 फीट की होती है, मगर हम लोग 3 फीट के विंडो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो हम लोग 3 फीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस प्लान में। मैं यहाँ पर 4 फीट के विंडो का इस्तेमाल करूँगा। तो 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट के विंडो का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर 4 फीट के विंडो को ड्रॉ करते हैं। विंडो के सिंबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने से पहले हमें यहां पर लेयर को चेंज करना होगा। तो यहां पर जो वॉल की लेयर है इसे हम लोग यहां पर चेंज कर देंगे। तो यहां पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं विंडो की लेयर, क्योंकि अब हम लोग विंडो ड्रॉ करने वाले हैं। तो विंडो के लेयर को सबसे पहले आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। देखिए यहां पर जो विंडो का कलर है वो है ब्लू कलर, तो यहां पर भी आपको ब्लू कलर ही दिखा रहा है। तो जो लेयर में आप सेट करोगे कलर, वही कलर आपके यहां पर दिखाएगा। तो जो सेटिंग आपके लेयर्स में होंगे वही प्रॉपर्टीज यहां पर अप्लाई होंगे। तो मैं यहां पर रेक्टेंगल अब ड्रॉ करता हूं। तो रेक्टेंगल के लिए आप अपने कीबोर्ड से REC शॉर्टकट टाइप कर सकते हो। तो यहां पर रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट REC, या फिर यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ड्रॉ टूल बार में रेक्टेंगल ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है, इस पर क्लिक करके भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपली इस पर एक क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद यहां पर मैं जहां पर आपको ड्रॉ करना है वहां पर एक सिंगल क्लिक करना है। देखिए रेक्टेंगल स्टार्ट होगा जो कि ब्लू कलर में आ रहा है। तो यहां पर रेक्टेंगल स्टार्ट हो चुका है। यहां पर आपको पूछ रहा है कि डिस्टेंस स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, यहां पर आप देख सकते हो कि स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट यहां पर पूछ रहा है। तो हम लोग यहां पर वैल्यू डाल देते हैं 4 फीट। ओके, तो 4 फीट यहां पर आपको डालना है, और यहां पर आपको टैप प्रेस करना है या फिर कॉमा प्रेस कर सकते हो। 4 फीट प्रेस करने के बाद कॉमा या फिर टैप, तो यहां पर मैं टैप प्रेस कर देता हूं दूसरे बॉक्स में आने के लिए। अब हम लोग यहां पर दूसरे बॉक्स में वैल्यू प्रेस करेंगे, यहां पर 9 इंच। तो 9 इंच यहां पर मैंने वॉल की थिकनेस डाल दी है। तो आपको यहां पर जो थिकनेस डालना है वो वॉल की थिकनेस डालना है जिस वॉल में हम लोग इस विंडो को फिट करेंगे। तो फिलहाल मैं जो विंडो हम लोग फिट करने वाले हैं वो एक्सटीरियर वॉल में फिट करने वाले हैं, और हमारे सारे एक्सटीरियर वॉल्स फिलहाल 9 इंच के अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर 4 फीट बाय 9 इंच एंटर करता हूँ यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, हॉरिजॉन्टली 4 और वर्टिकली 9 इंच। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आपको लाइन लेना है यहाँ पर, और बीच में यहाँ पर मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और यहां पर ऑफसेट कीजिए, यहां पर आपको ऑफसेट लेना है, ओ एंटर। उसके बाद यहां पर आप 1 इंच प्रेस कर दीजिए, एंटर। उसके बाद लाइन पे क्लिक करना है, ऊपर की तरफ क्लिक, लाइन पे क्लिक, नीचे की तरफ क्लिक। उसके बाद मिडल के लाइन को आपको डिलीट कर लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमने एक सिंपल सा विंडो का सिंबल यहां पर बना लिया है। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली कॉपी करके अपने प्लान में फिट कर सकते हो, मगर मैं यहां पर इसके साथ यहां पर छज्जा भी ड्रॉ करने वाला हूं। तो छज्जा के लाइंस भी हम लोग यहां पर बनाएंगे। तो मैं करता हूं इन लाइंस को थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूं। बीच के जो लाइंस हैं मैं इन्हें थोड़ा सा अलग डार्क में यहां पर मैं दिखा देता हूं। तो ये जो ग्लास के लाइंस हैं हमने यहां पर डार्क में दिखा लिए हैं। अब चलिए इसी के साथ हम लोग इसके छज्जा को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो छज्जा के लाइंस को ड्रॉ करने से पहले आपको लेयर सिलेक्ट करना है, यहां पर छज्जा। तो यहां पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं छज्जा की लेयर,
यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने हिडन सेट किया था, वो पैटर्न यहाँ पर आ गया है ऑटोमेटिकली। अब हम लोग यहाँ पर छज्जा को जो ड्रॉ करेंगे वो पॉलीलाइन का इस्तेमाल करके करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉलीलाइन ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो लाइन की तरह ही पॉलीलाइन होता है, मगर यहाँ पर सिंबल से आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलीलाइन से हम लोग लाइन और आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन का इस्तेमाल सिर्फ लाइन के लिए होता है, मगर पॉलीलाइन का इस्तेमाल लाइन प्लस आर्क ड्रॉ करने के लिए होता है। तो चलिए पॉलीलाइन मैं बना के दिखाता हूँ आपको कैसे ड्रॉ करना है। तो पॉलीलाइन के लिए आपको पॉलीलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अगर इस तरह से क्लिक करके ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये पॉलीलाइन है, बिल्कुल लाइन की तरह नजर आएगी। तो ये लाइंस जो है हिडन में होंगे, क्योंकि हमने छज्जा के लेयर में जो सेट किया सेटिंग की थी वो हिडन की थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हिडन लाइन्स आ गए हैं। तो जनरली जो लाइन्स हैं, हम लोग कोई भी लाइन अगर बनाते हैं, अगर लाइन कमांड का इस्तेमाल करके हम लोग अगर लाइन्स बनाते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लाइन्स है वो कनेक्टेड नहीं है। तो यहां पर जो लाइंस आप अगर क्लिक करते हो तो एक एक लाइन यहां पर सेलेक्ट होगी, और अगर इसे ड्रैग भी करते हो तो ये जो लाइन होगी वो ड्रैग होके अलग हो सकती है। मगर अगर हम लोग पॉली लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो यहां पर पॉली लाइन पूरी तरह से ज्वाइंट है। यहां पर देख सकते हो कि पॉली लाइन पूरी तरह से ज्वाइंट है। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं यहां पर क्लिक करके, तो ये सारे लाइंस एक साथ ड्रॉ होंगे। तो याद रखिए कि पॉली लाइन ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का लाइन होता है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जाते भी हो इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। तो कन्वर्ट टू आर्क, देखिए आप इस लाइन को आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको पॉलीलाइन में मिलेंगे। और अगर आप इस पॉलीलाइन को ऑफसेट करते हो, ओ एंटर, समझो मैं यहाँ पर 9 इंच का ऑफसेट यहाँ पर लेता हूँ। 9 इंच का ऑफसेट अगर इस लाइन को करते हो तो देखिए सारे लाइन्स यहाँ पर ऑफसेट हो रहे हैं। 9 इंच थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं समझो यहाँ पर 2 इंच कर देता हूं, 2 इंच एंटर, इस लाइन पे क्लिक और बाहर की तरफ क्लिक। तो देखिए यहां पर सारे लाइंस ऑफसेट हो गए हैं। उस तरह से अगर हम लोग इस लाइन को ऑफसेट करते हैं, ओ एंटर एंटर, तो ये जो लाइंस होंगे वो एक एक करके ऑफसेट होंगे। यहां पर कॉर्नर भी ओपन क्रिएट होगा यहां पर, तो देख सकते हो एक एक लाइन ऑफसेट हो रहा है, मगर पॉली लाइन जो होता है वो सारे लाइंस एक साथ ऑफसेट होते हैं। तो ज्वाइंट रहने की वजह से इस तरह का रिजल्ट हमें मिलता है। तो पॉली लाइन, तो यहाँ पर छज्जा ड्रॉ करने के लिए भी हम लोग पॉलीलाइन का इस्तेमाल करेंगे। पॉलीलाइन का शॉर्टकट है PL फॉर पॉलीलाइन। PL प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, एंटर प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देना है। तो इस पॉइंट से मैं बाहर की तरफ यहाँ पर एक्स्ट्रा छज्जा यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। तो आपको पता होगा कि जो छज्जा होता है वो जनरली विंडो के साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो हम लोग यहाँ पर 6 इंच साइज इसकी एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 6 इंच प्रेस करता हूँ एंटर, और यहाँ पर बाहर की तरफ हम लोग छज्जा लेंगे जो कि होता है 1.5 फीट, 1 फीट 6 इंच। तो मैं यहाँ पर 1 फीट 6 इंच यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ एंटर। ये छज्जा का बाहर की तरफ हो गया। यहाँ पर लेंथ हम लोग प्रोवाइड करेंगे 5 फीट। तो यहाँ पर हमने जो 6 इंच यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिया था, इस साइड में 6 इंच और यहाँ पर लेफ्ट साइड में 6 इंच, तो टोटल हम लोग 1 फीट एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पर। तो विंडो हमारी यहाँ पर 4 फीट की है, तो हम लोग छज्जा यहाँ पर 5 फीट प्रोवाइड करेंगे, एंटर करना है, और नीचे की तरफ यहाँ पर 1 फीट 6 इंच एंटर, और यहाँ पर स्केप प्रेस कर देना है आपको। आप चाहो तो यहाँ पर ट्रिम लेकर TR डबल एंटर इस लाइन को भी ट्रिम कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर छज्जा ड्रॉ कर लिया है जो कि अभी हिडन पैटर्न में है, मगर यहाँ पर जो पैटर्न हमें नजर आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो अगर हम लोग इस व्यू से देखते हैं तो हमें वो हिडन पैटर्न नजर नहीं आता। तो चलिए हम लोग इस पैटर्न की साइज बढ़ाते हैं। तो पैटर्न की साइज बढ़ाने के लिए आपको सिंपल इस लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माउस से राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज पे जाइए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद, तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टीज में यहां पर सारे लाइन के सेटिंग्स आ गए हैं। तो अगर आप ऑटोकैड में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हो, तो आपको ये पैनल अवेलेबल यहां पर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि सारे सेटिंग्स आपको उसके रिलेटेड मिल जाएंगे जिस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया है। तो यहां पर देखिए, यहां पर दिखा रहा है कि कलर जो है वो बाई लेयर यहां पर पिंक है। यहां पर लेयर जो हमने बनाया है वो छज्जा के लेयर में बनाया है। लाइन टाइप यहाँ पर हिडन है, और लाइन टाइप स्केल इसी को हम लोग इस बार चेंज करेंगे। तो 1 यहाँ पर स्केल दिखाई दे रहा है, तो इसे हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैं समझो यहाँ पर 15 प्रेस करता हूँ एंटर।
तो आप देख सकते हो कि हमारे जो यहाँ पर छज्जा के डॉटेड लाइन्स है उसकी गैप यहाँ पर साइज जो है वो बढ़ गई है। तो मैं यहाँ पर अब कट कर देता हूँ अपने प्रॉपर्टीज पैनल को। यहाँ से आपको कट का सिंबल नजर आ रहा होगा, तो इसे कट कर देना है और स्केप प्रेस करना है। देखिए मैंने यहाँ पर छज्जा के जो डॉटेड लाइन्स हैं उन्हें बढ़ा दिया है। तो चलिए अब हम इस विंडो को ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लॉक्स टूल बार अवेलेबल है। तो अगर हम लोग किसी प्लान में कोई सिंबल बनाते हैं और उसे हम लोग ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उस सिंबल को हम लोग अपने प्लान में कभी भी बार बार यूज कर सकते हैं, या फिर उस सिंबल को आप अपने न्यू प्लान्स में भी यूज कर सकते हो। तो इसलिए एक बार अगर हम कोई सिंबल बनाते हैं तो उसे ब्लॉक में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो अगर ब्लॉक में कन्वर्ट करते हो तो आप उसे फ्यूचर में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक कैसे हम लोग बनाएंगे इस विंडो से। तो ये सिंबल जो मैंने बनाया है इसे ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको इस सिंबल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट। तो क्रिएट पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेम पूछ रहा है। तो इस ब्लॉक का जो नाम हम लोग डालने वाले हैं वो है विंडोज। तो यहाँ पर विंडो डालेंगे, तो विंडो डालेंगे, और विंडो डालने के बाद यहाँ पर आपको पिक पॉइंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं पिक पॉइंट लेता हूँ, और पिक पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर हम लोग पिक पॉइंट देंगे इस मिड पॉइंट को। तो इस पॉइंट पे आपको क्लिक करना है पिक पॉइंट सिंपली। तो यहाँ पर मैं पिक पॉइंट दे देता हूँ, और पिक पॉइंट देने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो अगर अब आप इसे अगर सेलेक्ट करते हो तो आप देख सकते हो कि ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है, ये पूरी तरह से ग्रुप हो गया है। आप देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हो तो पूरा ब्लॉक सेलेक्ट हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर इंसर्ट में जाते हो, अगर आप यहाँ पर इंसर्ट में जाते हो और क्लिक करते हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें सिंबॉल मिल चुका है। तो विंडो का सिंबॉल यहाँ पर अवेलेबल है, आप कभी भी यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से इसे इंसर्ट कर सकते हो। तो देखिए इंसर्ट पे जाकर यहाँ पर विंडो और यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ब्लॉक हम लोग बना सकते हैं अपने सिंबल के। तो मैंने यहाँ पर विंडो का ब्लॉक बना दिया है। तो चलिए अब हम लोग इस ब्लॉक को कॉपी करके अलग अलग साइज के विंडोज बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इसे कॉपी करता हूँ, सी ओ फॉर कॉपी। एंटर करेंगे यहाँ पर सी ओ, कॉपी करने के लिए सी ओ प्रेस करना है शॉर्टकट, या फिर यहाँ पर भी आप जा सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कमांड लाइन पे यहाँ पर देख सकते हो कि कॉपी ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर आपको सिंगल क्लिक करना है। तो मैं फिलहाल शॉर्टकट यूज करूंगा सी ओ, एंटर, और यहाँ पर बेस पॉइंट देंगे यहाँ पर मिड पॉइंट कॉपी करने के लिए, और नीचे की तरफ मैं कॉपी करूंगा यहाँ पर दो, और यहाँ पर तीन, और यहाँ पर जितने विंडोज आपको चाहिए। तो फिलहाल मैं तीन विंडो का इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पर फर्स्ट विंडो होगा 1.2, सेकंड विंडो 1.5, और थर्ड विंडो यहाँ पर 1.8 साइज के लिए। तो कॉपी करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर तीन विंडो अवेलेबल हो गए हैं। तो चलिए अब हम लोग इसकी साइज को चेंज करेंगे। तो इसके साइज को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले इसे एक्सप्लोर करना होगा। तो मैं करता क्या हूं कि इसको ऊपर क्लिक करता हूं और एक्स एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हो एक्स जो शॉर्टकट है वो एक्सप्लोर के लिए है। तो एक्सप्लोर से होगा क्या कि ये जो हमारा ब्लॉक जो ग्रुप हो गया है वो अलग अलग हो जाएंगे सारे लाइंस। तो एंटर करेंगे एक्स एंटर, तो आप देख सकते हो कि इसके लाइंस जो है अब अलग अलग हो गए हैं। यहां पर देख सकते हो सारे लाइंस अलग हो गए हैं। तो ये जो ब्लॉक है अब ये नॉर्मल हो चुका है, इसे भी हम लोग सिलेक्ट करके एक्स एंटर प्रेस करेंगे, एक्स एंटर, या फिर यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर भी ये कमांड अवेलेबल है, यहां पर आप एक्सप्लोर ले सकते हो यहां पर। तो एक्सप्लोर को जनरली हम लोग जो लाइंस हैं उन्हें अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर सिलेक्ट और एक्स एंटर, एक्स एंटर, यहां पर लाइन मैंने अलग अलग कर दिया है। तो चलिए अब हम इसकी साइज को चेंज करते हैं। तो साइज को चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहां पर स्ट्रेच पे जाना है। स्ट्रेच कमांड से हम लोग इसकी साइज चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेच कमांड पे क्लिक करेंगे, और स्ट्रेच पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंगल क्लिक करना है इस पॉइंट पे, और आपको इस तरह से हाफ क्रॉस करना है अपने विंडो को। याद रखिए आपको इस तरह से हाफ क्रॉस करना है। क्लिक करेंगे यहाँ पर और फिर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट देना है एक बेस पॉइंट, और उसके बाद आप इसकी साइज देख सकते हो कि बढ़ा सकते हो, या फिर आप अगर इस डायरेक्शन में जाते हो तो आप अपनी साइज कम भी कर सकते हो। तो इस तरह से मुझे फिलहाल यहां पर साइज को इंक्रीज करना है। तो यहां पर मैं 1 फीट डाल देता हूं, 1 फीट,
1 फीट से ये साइज इंक्रीज हो जाएगी। एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने अपने विंडो की साइज को इंक्रीज कर लिया है। फिर से हम लोग अब स्ट्रेच लेते हैं, यहाँ से स्ट्रेच, अगेन स्ट्रेच, स्ट्रेच लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हाफ क्रॉस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद एक सिंगल पॉइंट देंगे और यहाँ पर मैं 2 फीट इंक्रीज कर देता हूँ, 2 फीट, एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1.2, 1.5, सॉरी 4 फीट, 5 फीट और 6 फीट की विंडो हमने यहाँ पर बना ली है। तो चलिए इन विंडोज को भी हम लोग ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको सिंगल सेलेक्ट करना है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर विंडो डाल सकते हो, विंडो, और यहाँ पर हम लोग 2 डालेंगे और पिक पॉइंट यहाँ पर इस पॉइंट को देंगे और ओके प्रेस करेंगे। अगेन यहाँ पर थर्ड जो विंडो है इसे सिलेक्ट करेंगे पूरी तरह से। उसके बाद यहाँ पर फिर से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ब्लॉक, यहाँ पर फिर से विंडो, और यहाँ पर डाल देंगे हम लोग 3, और यहाँ पर पिक पॉइंट, और यहाँ पर हम लोग पिक पॉइंट इस पॉइंट को देंगे और ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 3 ब्लॉक्स यहाँ पर बना लिए हैं। यहाँ पर इंसर्ट पे जाते हो तो आपको विंडो, विंडो 2 और विंडो 3 यहाँ पर नजर आएंगे। तो जो विंडो आपको यहाँ पर फिट करना है उस विंडो का इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो मैं फिलहाल इस विंडो को कॉपी करूंगा, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, CO, एंटर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस बाजू में क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये कॉपी कर लिया है मैंने। अब मैं करूंगा क्या क्या, इसे रोटेट करूंगा। तो रोटेट करना है इसे क्योंकि हमें यहाँ पर जो विंडो फिट करने हैं वो अलग अलग ओरिएंटेशन में फिट करने हैं, अलग अलग वॉल्स में फिट करने हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर अलग अलग टाइप के विंडोज यहाँ पर लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, अब इसे मैं रोटेट करता हूँ, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और RO फॉर रोटेट, रोटेट के लिए शॉर्टकट है RO, RO एंटर, या फिर आप यहाँ पर भी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी जा सकते हो। देखिए यहाँ पर रोटेट ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर रोटेट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको बेस पॉइंट पूछेगा, तो रोटेट करते वक्त आप बेस पॉइंट दीजिए, कोई भी पॉइंट आप दे सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को दूंगा, तो क्लिक करते हैं। और आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं यहाँ पर कर्सर घुमाता हूँ वैसे ही ये विंडोज़ की ओरिएंटेशन यहाँ पर चेंज हो रही है। तो जिस टाइप की ओरिएंटेशन आपको चाहिए उस ओरिएंटेशन में आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर 90-90 डिग्री में रोटेट हो रहा था क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो मोड को हमने ऑन रखा है। ऑर्थो मोड जब तक ऑन है तब तक आपके रोटेशन होगी वो 90 डिग्री में होगी। तो यहाँ पर मैंने इसे रोटेट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसे मिरर करूँगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और मिरर प्रेस करना है MI, तो MI करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पर सेकंड पॉइंट, तो मिरर लाइन देना है यहाँ पर। तो मिरर लाइन आपको हॉरिजॉन्टल देना है, इसलिए हम लोग 2 पॉइंट्स यहाँ पर देंगे हॉरिजॉन्टल पे। और यहाँ पर आपको नो प्रेस करना है। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, क्या आपको इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, यहाँ पर नो प्रेस करना है आपको। तो देखिए ये अपोजिट साइड के विंडो यहाँ पर आ गए हैं, इसे भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं अपोजिट साइड में। सिलेक्ट MI फॉर मिरर, एंटर, तो ऊपर की तरफ क्लिक और नीचे की तरफ क्लिक, और यहां पर आपको नो प्रेस करना है, नो। तो आप देख सकते हो यहां पर 2 टाइप के विंडोज यहां पर आ गए हैं। अब मैं सिलेक्ट करके इसे थोड़ा सा मूव करके M फॉर मूव, M एंटर क्लिक करेंगे और यहां पर इस तरह से मूव कर लेंगे। अब इन सारे विंडोज को हम लोग अपने प्लान में फिट कर सकते हैं। तो चलिए फिट करते हैं अपने प्लान में। तो यहां पर सबसे पहले मैं बेडरूम के लिए फिट कर लेता हूं, यहां पर 4 फीट के विंडोज। तो यहां पर मैं 4 फीट के विंडोज कॉपी कर लेता हूं, CO एंटर, सिलेक्ट करने के बाद CO एंटर करना है। उसके बाद इस पॉइंट को क्लिक करना है एज ए बेस पॉइंट, तो इसी पॉइंट को आपको क्लिक करना है, यहां पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद आपको यहां पर इस रूम के मिड पॉइंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर इस मिड पॉइंट पे, उसके बाद इसके मिड पॉइंट पे, ये तीनों विंडोज हमने यहां पर फिट कर लिए हैं। इस साइड पे हम लोग थोड़ी सी बड़ी विंडो लेंगे जो कि इस ओरिएंटेशन में फिट होगी। तो यहां पर मैं 5 फीट की विंडो ले लेता हूं, CO एंटर, और यहां पर मैं इस पॉइंट को बेस पॉइंट ले लेता हूं। आपको याद रखना है कि बेस पॉइंट यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छज्जा के अपोजिट साइड के पॉइंट को आपको सेंटर, मिड पॉइंट को आपको बेस पॉइंट लेना है एज ए बेस पॉइंट, इस पॉइंट को, और यहां पर मिड पॉइंट पे फिट कर देना है। देखिए यहां पर मिड पॉइंट दिखा रहा है, तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप यहां पर मैं ले लेता हूं, CO एंटर, और फिर से यहां पर मिड पॉइंट लेता हूं, और यहां पर मैं इस वॉल पे फिट कर देता हूं। तो देखिए मैंने सारे विंडोज यहां पर लगा लिए हैं। चलिए अब यहां पर मैं
किचन के लिए ले लेता हूँ, उसके लिए मुझे इस ओरिएंटेशन में विंडो की ज़रूरत पड़ेगी, तो 5 फिट की विंडो मैं यहाँ पर फिट करता हूँ, सी ओ एंटर, यहाँ पर मिड पॉइंट पे क्लिक और यहाँ पर मिड पॉइंट पे क्लिक। उसके बाद मैं यहाँ पर हॉल के लिए ले लेता हूँ, तो हॉल में मैं फ़िलहाल यहाँ पर साइड में एक बड़ी विंडो फिट कर देता हूँ, यहाँ पर 1 6 फिट की, तो यहाँ पर कॉपी करता हूँ, सी ओ एंटर, और यहाँ पर मिड पॉइंट लेते हैं इसका, और यहाँ पर हॉल में फिट कर देते हैं कुछ इस पॉइंट पे। आप चाहो तो यहाँ पर भी एक विंडो लगा सकते हो, तो मैं 1.2 की विंडो सी ओ फॉर कॉपी मिड पॉइंट और यहाँ पर फिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने विंडो को फिट कर लिया है। यहाँ पर इस पॉइंट के विंडोज़ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ है, जैसा कि आप प्लान में देख सकते हो कि यहाँ पर जो विंडोज़ दिए हुए हैं उसे हम लोग को ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर लेयर चेंज कर लेता हूँ विंडो, और मैं डायरेक्टली यहाँ पर चाहो तो ड्रॉ कर सकता हूँ विंडोज़ को, या फिर साइड में ड्रॉ करके कॉपी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर डायरेक्ट ड्रॉ करूँगा, तो आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऑफसेट करता हूँ, ओ एंटर, यहाँ पर मैं 2 फीट ऑफसेट करता हूँ, 2 फीट, यहाँ पर 2 फीट की ऑफसेट यहाँ पर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से मैं 2 फीट ऑफसेट, तो 2 फीट के गैप पर मैं यहाँ पर 3 विंडोज़ ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद इस लाइन को हम लोग डिलीट कर देंगे, बीच से एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर एंड कर देना है। अब मैं यहाँ पर ऑफसेट लेता हूँ और यहाँ पर मैं 1 इंच यहाँ पर ऑफसेट कर देता हूँ, 1 इंच, लाइन पे क्लिक, ऊपर की तरफ क्लिक, लाइन पे क्लिक, नीचे की तरफ क्लिक, और यहाँ पर लाइन बीच की लाइन हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर ट्रिम कर दूंगा, TR डबल एंटर, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हो अपने विंडो को, और अगर ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो और आप यहाँ पर ब्लॉक पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर ग्लास, और यहाँ पर पिक पॉइंट, मैं पिक पॉइंट दे देता हूँ इस पॉइंट को, और यहाँ पर ओके। तो आप देख सकते हो इसका भी ब्लॉक हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, तो देख सकते हो हमने 4 ब्लॉक्स यहाँ पर बना लिए हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेंटिलेटर्स हमें ड्रॉ करने हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ वेंटिलेटर्स लाइन लेकर। तो मुझे यहाँ पर बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद ऑफसेट करेंगे यहाँ पर, ओ एंटर, तो यहाँ पर मैं 1 फीट का ऑफसेट करता हूँ, 1 फीट, राइट और लेफ्ट में ऑफसेट करते हैं और फिर लाइन बनाते हैं मिड टू मिड, बीच के लाइन को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, ऑफसेट करेंगे यहाँ पर 1 इंच, एंटर, और ऊपर और नीचे की तरफ, और यहाँ पर बीच की लाइन ट्रिम कर देते हैं यहाँ पर। देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, और बीच के जो लाइंस हैं उन्हें मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर भी आप कलर कर सकते हो चाहो तो, यहाँ पर मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है इसलिए अब कलर नहीं होगा, तो चलिए ऐसे रहने देते हैं उसे। तो यहाँ पर मैंने वेंटिलेटर बना लिया है, अब मैं इसे ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर क्रिएट ब्लॉक वेंटिलेटर, तो यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ वेंटिलेटर, पिक पॉइंट यहाँ पर मैं दे देता हूँ इस मिड पॉइंट को, और ओके कर देता हूँ। तो ये ब्लॉक हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इंसर्ट करता हूँ इसे, देखिए वेंटिलेटर यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं इसे यहाँ पर फिट करने के लिए रख देता हूँ यहाँ पर, इसे रोटेट करना होगा हमें, तो हम लोग सेलेक्ट करके इसे रोटेट करते हैं, आर ओ एंटर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसे मूव करेंगे, एम एम फॉर मूव, और मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ पिक पॉइंट, आप देख सकते हो ये इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पुट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर वेंटिलेटर ले लिया है। अब फिर से मैं इसे कॉपी करूँगा, सी ओ एंटर, इस बार मैं इसे बेस पॉइंट दूंगा और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर मैच कर सकता हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों वेंटिलेटर यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं अपने बाथ और WC के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जाते हैं। आप चाहो तो इन विंडोज़ को आप डिलीट कर सकते हो, हमारा काम हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टेयर केस ड्रॉ करेंगे, तो स्टेयर केस यहाँ पर एंट्री के लिए आप देख सकते हो स्टेयर केस अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टेयर केस के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ स्टेयर्स, आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेयर्स अवेलेबल है। तो इस स्टेयर को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जो कि यू शेप में है, डॉगलेग टाइप में। यहाँ पर स्टेयर मैंने यहाँ पर लेयर सेलेक्ट कर लिए, अब मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पर ऑफसेट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर लैंडिंग ड्रॉ कर लेनी है, तो लैंडिंग मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा 3 फीट के लिए। तो मिनिमम जो डिस्टेंस होता है लैंडिंग का वो 3 फीट होता है, तो 3 फीट ले लेते हैं यहाँ पर, 3 फीट, एंटर।
इस लाइन पे क्लिक करते हैं और ऊपर की तरफ क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑफसेट ले लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर इस लाइन को जो है इसकी लेयर चेंज कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर जो लाइन आया है वो वॉल के लेयर में यहाँ पर ड्रॉ हुआ है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका लेयर यहाँ पर शो करेगा जो कि वॉल। तो यहाँ पर मैं इसे चेंज कर सकता हूँ इजीली। आपको सिंपल इस लाइन पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेयर का लेयर सेलेक्ट करना है। तो देखिए मैंने इस लाइन के लेयर को चेंज कर दिया है। चलिए अब ऑफसेट करते हैं यहाँ पर ओ एंटर, और ऑफसेट करने के बाद यहाँ पर मैं ट्रेड को यहाँ पर ऑफसेट करूंगा। तो ट्रेड यहाँ पर 10 इंच के जनरली हम लोग यूज करते हैं, तो 10 इंच ट्रेड एंटर, और इस लाइन पे क्लिक, ऊपर की तरफ क्लिक। इस तरह से हमें यहाँ पर 10 राइजर्स को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर 2 राइजर्स यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं 3 राइजर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर हमने 10 राइजर्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब फिर से मैं लाइन लेता हूँ और मिडल में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने मिड पे एक लाइन ड्रॉ की है। नेक्स्ट अब मैं इसे ऑफसेट करता हूँ, क्योंकि बीच में आप देख सकते हो कि यहाँ पर बीच में जो है गैप प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर मैं गैप प्रोवाइड करूँगा, ऑफसेट करेंगे यहाँ पर, ओवर ऑफसेट 3 इंच का ऑफसेट रखेंगे यहाँ पर, 3 इंच एंटर। तो यहाँ पर लाइन पे क्लिक, और यहाँ पर लेफ्ट पे क्लिक, लाइन पे क्लिक, और यहाँ पर राइट पे क्लिक, और बीच की लाइन हम लोग डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं ट्रिम लेता हूँ, TR डबल एंटर, और यहाँ से मैं पूरी तरह से यहाँ तक मैं पूरा ट्रिम कर दूंगा। देखिए क्रॉस करना है आपको, तो ये सारे लाइंस को मैंने ट्रिम कर दिया है। तो यहाँ पर जो अब डिस्टेंस अवेलेबल होगा, चलिए मेजर करते हैं इसे। DI से हम लोग अपने डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। कोई भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है, अपने कीबोर्ड से DI प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पर, और सिंपल इस पॉइंट पे क्लिक, और आप देख सकते हो यहाँ तक का डिस्टेंस। देखिए यहाँ तक 3 फीट, 3 फीट 6 इंच, ओके इस तरह से। या फिर यहाँ पर आप यूटिलिटीज़ में जा सकते हो, यहाँ पर यूटिलिटीज़ में, और मेजर कमांड यहाँ पर अवेलेबल है। अलग अलग मेजरमेंट के लिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप देख सकते हो। क्विक डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर आप क्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही अच्छी कमांड है। यहाँ पर 2020 पे यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर क्विक मेजरमेंट। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और देख सकते हो कि डायरेक्ट यहाँ पर सारे मेजरमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो 3 फीट यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस, और 6 फीट 6 इंच यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। उसी तरह से अगर किसी भी रूम पे आप यहाँ पर जाते हो तो डायरेक्ट आपको मेजरमेंट शो करेगा 12 फीट 14 फीट। तो क्विक डिस्टेंस यहाँ पर बहुत ही अच्छा कमांड यहाँ पर दिया हुआ है मेजरमेंट के लिए, या फिर आप मैनुअली भी यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेड का जो विड्थ है वो 3 फीट है, और यहाँ पर ट्रेड है जो वो 10 इंच यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हो क्विक मेजर का इस्तेमाल कर से, या फिर आप डिस्टेंस लेते हो तो आप डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर मेजर कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने स्टेयर केस ड्रॉ कर लिए हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग वरंदा के स्टेयर केस को ड्रॉ करते हैं। लाइन लेंगे यहाँ पर, और इस पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे आगे की तरफ। यहाँ पर 5 फीट का हम लोग ड्रॉ करते हैं लैंडिंग, और इस तरफ हम लोग 5 फीट, अगेन एंटर, और यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने स्टेयर के ट्रेड को ऑफसेट करेंगे, तो ओ फॉर ऑफसेट यहाँ पर मैं 1 फीट का ट्रेड इस्तेमाल करने वाला हूँ, 1 फीट एंटर। यहाँ पर 1 फीट के 3 राइजर्स यहाँ पर हम लोग ऑफसेट करेंगे, लाइन लेकर इसे जोड़ सकते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टेयर ड्रॉ कर लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट ड्रॉ, यहाँ पर हम लोग रेलिंग्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो रेलिंग्स के लिए सिंपल आपको ऑफसेट करना है यहाँ पर 2 इंच एंटर, और यहाँ पर लाइंस ऑफसेट कर लीजिए इस तरह से, और ट्रिम कीजिए यहाँ पर, इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑफसेट कर लिया है अपने रेलिंग्स को। चाहो तो आप अपने रेलिंग्स को यहाँ पर अलग कलर में दिखा सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिक यहाँ पर एक लेयर बना सकते हो अपने रेलिंग के लिए। तो मैं फिलहाल रेलिंग के लिए लेयर नहीं इस्तेमाल करूँगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसे कलर कर दूंगा। तो कोई भी कलर आप यहाँ पर डाल सकते हो अपने रेलिंग दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है। चलिए यहाँ पर भी एक रेलिंग हमें प्लान में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ओपनिंग करता हूँ, सबसे पहले वॉल यहाँ पर लेयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओपनिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऑफसेट करेंगे यहाँ पर 3 फीट एंटर, और यहाँ पर एक लाइन ऑफसेट करता हूँ। ट्रिम कर लेंगे इस लाइन को और इस लाइन को, और यहाँ पर स्टेयर केस की अब मैं यहाँ पर लेयर सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर स्टेयर केस ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पर ऑफसेट कर लेता हूँ इसे, ऑफसेट यहाँ पर कर देता हूँ 4 फीट एंटर। तो इस लाइन को हम लोग 4 फीट पे ऑफसेट करेंगे,
उसके बाद इस लाइन को हम लोग 10 इंच पे ऑफसेट करेंगे, 10 इंच। तो मैं पहले स्केप करके ऑफसेट 10 इंच यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 3 राइजर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है इस लाइन तक, तो आप चाहो तो EX डबल एंटर प्रेस करके इसे क्लिक कर सकते हो इस तरह से, या फिर आप अपने कीबोर्ड से इस पे क्लिक कीजिए यहाँ पर माउस से, और यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से बढ़ा सकते हो। यहाँ पर क्लिक करना है, इस ग्रिप पर क्लिक करना है, और इस तरह से क्लिक करना है, ग्रिप पर क्लिक करना है, इस तरह से आप बढ़ा सकते हो और इसे ट्रिम भी कर सकते हो। इसकी लेयर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इसे क्लिक करके यहाँ पर मैं स्टेयर की लेयर में डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं 2 इंच का ऑफसेट करूँगा, 2 इंच। अगर आप चाहो तो इसके लिए भी रेलिंग यहाँ पर दिखा सकते हो, और यहाँ पर मैं इसे कलर करके पिंक में कर देता हूँ रेलिंग के लिए। तब देख सकते हो मैंने यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं अपनी स्टेयर को। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिंबल जो हमें दिया हुआ है वो हाफ स्टेयर केस यहाँ पर हिडन में है, तो ये पोर्शन हमें हिडन में दिखाना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग सिंबल तैयार करते हैं। यहाँ पर तो लाइन लेना है, यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पर आपको ऑर्थो मोड को फिलहाल के लिए ऑफ कर देना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑर्थो मोड पे। आप अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस कर सकते हो ऑर्थो मोड को ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर, और इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से सिंबल, और यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए यहाँ पर हिडन प्रोवाइड करते हैं, इन सारे लाइंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं हिडन सिलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर हिडन अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो कि सारे लाइंस हिडन हो गए हैं, मगर हमें इसकी स्केल जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो स्केल इंक्रीज करने के लिए राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट होना चाहिए, आपके सारे लाइन सिलेक्टेड होने चाहिए, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर लाइन टाइप स्केल आपको नजर आ रहा है, लाइन टाइप स्केल इसको चेंज कर देना है, 15 कर देता हूँ एंटर। देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा लाइन टाइप स्केल जो है चेंज हो चुका है। स्किप, देखिए यहाँ पर हिडन नजर आ रहा है हमें। इन लाइंस को भी आपको हिडन में करना है, तो सबसे पहले आपको इसे ट्रिम करना होगा, यहाँ पर ट्रिम कर लीजिए। उसके बाद एक दूसरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ पर मैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैच प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे इस बार, मैच प्रॉपर्टी, हिडन लाइन पे क्लिक और इस लाइन पे क्लिक। तो देखिए मैच प्रॉपर्टी से हम लोग सेम लाइन अप्लाई कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे ये भी हिडन हो जाएगा। तो मैच प्रॉपर्टी लेने के बाद फर्स्ट क्लिक, अगर आप जिस लाइन पे करेंगे फर्स्ट क्लिक, बाकी के लाइंस भी उसी तरह के हो जाएंगे। तो इस तरह से मैच प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट है MA शॉर्टकट से भी इस्तेमाल कर सकते हो, MA एंटर प्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पर स्टेयर केस को ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग अपने प्लान में डोर्स को फिट कर लेते हैं। तो डोर्स को फिट करने के लिए आपको एक सिंबल की जरूरत होगी, तो ऑटोकैड में रेडीमेड सिंबल्स भी अवेलेबल है। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+3 प्रेस करते हो, तो Ctrl+3 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। यहाँ पर आपको टूल पैलेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, टूल पैलेट। इसमें होता क्या है कि रेडीमेड ब्लॉक्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर आर्किटेक्चरल टैब में अगर जाते हो, तो यहाँ पर आर्किटेक्चरल सिलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर रेडीमेड यहाँ पर ब्लॉक्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो डोर मेट्रिक, यहाँ पर इम्पेरियल डोर, इम्पेरियल विंडो, इम्पेरियल। तो यहाँ पर कुछ सिम्बॉल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर मेट्रिक मतलब मीटर के भी यहाँ पर सिंबल्स यहाँ पर अवेलेबल है। फिलहाल हमने फीट इंचेस में काम किया है, तो डोर इंपेरियल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर डोर इंसर्ट हो गया है। फिलहाल हमने गलत लेयर में इसे ले लिया है, जो कि स्टेयर, तो चेंज कर देते हैं हम। इसकी लेयर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर डोर्स, तो डोर के लेयर में इसे लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले डोर के लिए सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद वर्किंग करेंगे डोर पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डोर आ गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि इस एरो पे अगर आप क्लिक करते हो, तो आपको जो डोर है कितना ओपन रखना है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर 90 डिग्री, या फिर पूरी तरह से क्लोज रखना है, तो आप इस तरह से क्लोज कर सकते हो। ये सिंबल अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर एक एरो अवेलेबल है, इससे क्या होता है कि साइज आप सिलेक्ट कर सकते हो, 3 फीट, 2 फीट 8 इंच, 2 फीट 6 इंच, 2 फीट, है ना, इस तरह से अलग अलग साइजेस अवेलेबल है। तो जो साइज आपको चाहिए वहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ये जो एरोज हैं इससे आप इसकी डायरेक्शन फ्लिप कर सकते हो, अप डाउन और लेफ्ट राइट। तो जिस ओरिएंटेशन में आपको अपने डोर्स को चाहिए, उस ओरिएंटेशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए इसे हम लोग कॉपी करके फिट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो अपने सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हो।
तो अगर आपको ब्लॉक्स यहाँ पर ड्रॉ करना है तो चलिए ड्रॉ करते हैं एक ब्लॉक, डोर के लिए एक ब्लॉक बनाते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम लोग सिंबल बना कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डोर की लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद लाइन लेना है, क्लिक करके यहाँ पर लाइन की विड्थ डाल लेना है, ऑर्थो मोड को ऑन रखना है, यहाँ पर F8 2 इंच एंटर, ऊपर की तरफ यहाँ पर 3 फीट एंटर, तो 3 फीट का पैनल होगा यहाँ पर 2 इंच एंटर, और नीचे की तरफ 3 फीट एंटर, स्केप करना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन, और यहाँ से स्ट्रेट इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, जो इस तरह से स्पेस करके यहाँ पर भी आप एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। और यहाँ पर मिरर करेंगे, सिलेक्ट MI फॉर मिरर और एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आपको मिड पॉइंट पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक लाइन लेकर इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को यहाँ पर देख सकते हो, इस पॉइंट को आपको ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए सिर्फ आपको अपने कर्सर को इस पॉइंट पे लेकर जाना है और नीचे की तरफ आना है आपको। उसके बाद इस पॉइंट पे जाएंगे और साइड में आएंगे, देखिए आपको एक क्रॉस मिलेगा यहाँ पर दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो यहाँ पर दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ से आपको ड्रॉ करना है 3 फीट की एक लाइन, 3 फीट एंटर, और यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। चलिए इसके लिए हम लोग एक अलग कलर यहाँ पर डाल देते हैं, तो मैं यहाँ पर अलग कलर यहाँ पर डाल देता हूँ, कुछ ब्लू कलर। तो यहाँ पर आपको सर्कल ड्रॉ करना है, सी एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब इसे ट्रिम करेंगे, TR डबल एंटर, और यहाँ पर हम लोग इस सर्कल को ट्रिम कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो इस तरह से। तो हमने ये एक डोर ड्रॉ कर लिया है, चलिए इसे ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं हम। तो इसे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसका नाम डाल देंगे डोर्स, तो डोर यहाँ पर पिक पॉइंट देंगे इस पॉइंट को, पिक पॉइंट, और ओके प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डोर आ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ इसे। मैं देखिए यहाँ पर इसे मिरर करूँगा, MI फॉर मिरर एंटर, ऊपर और नीचे की तरफ क्लिक एंटर, सेलेक्ट करेंगे MI एंटर, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल देंगे एंटर, इसे सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे CO एंटर, और यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर ले लेंगे, और इसे आपको रोटेट कर देना है, तो RO एंटर, और क्लिक करके यहाँ पर नीचे की तरफ आप इस तरह से कर्सर घुमाओगे तो ये रोटेट हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर पैनल्स को रोटेट करके हॉरिजॉन्टल कर लिया है, यहाँ पर पैनल्स वर्टिकल हैं। चलिए इसे हम लोग फिट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डोर को कॉपी कर लेता हूँ, CO एंटर, बेस पॉइंट याद रखना है कि इस पॉइंट को देना है आपको यहाँ पर, इस पॉइंट को, और यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर इसे रख देंगे। देखिए यहाँ पर डोर फिट हो गया है, इसी ओरिएंटेशन में यहाँ पर हम लोग फिट कर सकते हैं अपने डोर को, देखिए यहाँ पर भी फिट हो गया है, और यहाँ पर हम लोग दूसरे डोर को फिट करेंगे। तो यहाँ पर पैनल जो होगा वो राइट साइड में होगा, तो यहाँ पर हम लोग इस डोर को फिट कर सकते हैं, इसे कॉपी करते हैं CO एंटर, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ। देखिए मैंने तीनों डोर को यहाँ पर फिट कर लिया है। यहाँ पर किचन में दो डोर हम लोग नहीं डालेंगे, चलिए मेन डोर यहाँ पर हम लोग अवेलेबल करते हैं। यहाँ पर मेन डोर के लिए मैं यहाँ पर डबल पैनल का इस्तेमाल करूँगा, तो इस डोर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मिरर कर देता हूँ, MI एंटर, यहाँ पर एक क्लिक और ऊपर की तरफ क्लिक, और यहाँ पर नो प्रेस करेंगे। देख सकते हो यहाँ पर मैंने डोर ले लिया है डबल पैनल के लिए, और यहाँ पर मेन डोर के लिए मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ CO एंटर एंटर, उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर डोर यहाँ पर डाल दिए हैं। अब डोर की साइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ी सी बड़ी हो रही है, क्योंकि एक डोर है 0.9 का, और यहाँ पर सॉरी 3 फीट और 3 फीट, तो 3 फीट 3 फीट 6 फीट का यहाँ पर हो गया है, और यहाँ पर ओपनिंग जो है वो 5 फीट की है। तो हम यहाँ पर इसे इसकी साइज जो है रिड्यूस करेंगे। तो साइज रिड्यूस करने के लिए आप यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो, स्केल से हम लोग इसकी साइज छोटी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी साइज को हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर स्केल पर क्लिक करना है, स्केल पर क्लिक करने के बाद सॉरी सिलेक्ट करना है यहाँ पर स्केल पर क्लिक, उसके बाद आपको यहाँ पर पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट आपको दे देना है इस पॉइंट को, जो पॉइंट आपका फिक्स है उसी पॉइंट को आपको बेस पॉइंट देना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आप माउस को मूव करते हो उसी तरह से इसकी सिंबल की साइज जो है वो
एक्स्ट्रा हो रही है, तो अगर आप क्लिक करोगे तो यह साइज फिट हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप यहां पर रेफरेंस पे क्लिक कर सकते हो, देखिए यहां पर रेफरेंस, तो आपको यहां पर रेफरेंस या फिर आर एंटर भी कर सकते हो, रेफरेंस का शॉर्टकट यहां पर दिया हुआ है आर एंटर, तो यहां पर आर एंटर प्रेस कीजिए, आर एंटर। फिर से आपको बेस पॉइंट पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर से इस पॉइंट पे क्लिक करना है, लास्ट के पॉइंट पे, और यहां पर मूव करके यहां पर रख देना है। तो एक्यूरेट यहां पर मेजरमेंट हमने यहां पर रिड्यूस कर दिया है। तो चलिए हम लोग इस बाथ और टॉयलेट के लिए भी डोर फिट करते हैं। तो यहां पर मैं ले लेता हूं इस डोर को, CO फॉर कॉपी, और यहां पर बेस पॉइंट देते हैं और यहां पर फिट करते हैं। इसकी साइज हमें रिड्यूस करनी होगी, फिर से हम लोग सेलेक्ट करके यहां पर स्केल का इस्तेमाल करेंगे, स्केल, स्केल के बाद यहां पर बेस पॉइंट, इस पॉइंट को देना है आपको, उसके बाद यहां पर रेफरेंस या फिर आर एंटर। तो मैं यहां पर इस बार आर एंटर प्रेस करूंगा, आर एंटर। फिर से आपको बेस पॉइंट यहां पर क्लिक करना है, उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करना है और इसे रिड्यूस करके यहां पर ला देना है। तो ये देखिए यहां पर साइज कम हो गई है, इसे आप मिरर कर देते हैं, MI एंटर इस मिड पॉइंट से, और यहां पर क्लिक और एंटर। देखिए मैंने इस डोर को मिरर कर लिया है। यहां पर एक डोर प्लेस करते हैं हम लोग, तो इस डोर को प्लेस करने के लिए हम लोग ये वाला पैनल इस्तेमाल करेंगे, CO फॉर कॉपी, इस पॉइंट को क्लिक करेंगे और यहां पर मैं प्लेस कर देता हूं इसके सीध पे। तो यहां पर आपको पॉइंट तो यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक्सटेंड, EX डबल एंटर, इसे एक्सटेंड कर लेते हैं, और उसके बाद इस डोर को प्लेस करते हैं, CO एंटर, पॉइंट देंगे यहां पर और यहां पर प्लेस कर देंगे, सेलेक्ट स्केल, बेस पॉइंट, आर एंटर, आर एंटर, पॉइंट देना है यहां पर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे क्लिक और यहां पर क्लिक। देख सकते हो मैंने यहां पर डोर भी यहां पर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इन सारे रूम्स के यहां पर रीनेम कर देते हैं। तो यहां पर नेम डालने के लिए यहां पर लेयर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट का, तो यहां पर टेक्स्ट का लेयर सिलेक्ट करते हैं और सारे रीनेम कर देते हैं। यहां पर टेक्स्ट अवेलेबल है, देखिए आप मल्टी लाइन टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है आपको, क्लिक करना है इस पर, और क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सिंपली सिंगल क्लिक करके एक बॉक्स करना है, सिंगल यहां पर एक क्लिक और यहां पर एक क्लिक करना है। देखिए यहां पर एक कर्सर आ गया है, आप यहां पर रूम का नाम यहां पर लिख सकते हो, बेडरूम लिखते हैं यहां पर, तो बेडरूम, और यहां पर एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर आप इस बेडरूम की साइज डाल सकते हो। यहां पर जो बेडरूम की साइज है वो है 11 फीट, एक्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप बाय के सिंबल के लिए, 11 फीट बाय यहां पर 15 फीट, और यहां पर इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है इसे, ड्रैग करके इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसे यहां पर सेंटर्ड कर देना है, और यहां पर आप साइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहां पर साइज अवेलेबल है, तो यहां पर साइज मैं डाल देता हूं, तो यहां पर 1/4 इंच यहां पर दिया हुआ है, तो इसे सिलेक्ट करना है। यहां पर मैं कर देता हूं 1 फीट 1 फीट यहां पर कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहां पर देख सकते हो साइज थोड़ी सी बड़ी आ गई है, और यहां पर मैं इसे सेंटर्ड कर देता हूं और इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, देखिए यहां पर, और साइड पे क्लिक करता हूं। तो आप देख सकते हो कि साइड पे क्लिक करने के बाद ये जो बेडरूम टेक्स्ट है वो छोटा हो गया है, तो फिर भी मुझे ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो हम इसे एडिट करके चेंज कर देंगे। डबल क्लिक करना है आपको इसके ऊपर, एडिट हो जाएगा, सिलेक्ट करना है, तो यहां पर 1 फीट की जगह हम लोग यहां पर वैल्यू प्रेस करेंगे, यहां पर 8 इंच प्रेस करते हैं, 8 इंच, एंटर, और साइड पे क्लिक करेंगे यहां पर। अब मैं यहां पर क्लिक करके ड्रैग करूंगा यहां पर, देखिए मैंने यहां पर बेडरूम सेलेक्ट कर लिया है। अब यहां पर हम लोग इस बेडरूम को कॉपी करेंगे, सेलेक्ट, CO एंटर, एंटर क्लिक करना है, और इसे यहां पर और यहां पर, तो तीनों बेडरूम में मैंने यहां पर कॉपी कर लिया है। अब सेलेक्ट करके इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, CO एंटर, नीचे की तरफ। ऑर्थो मोड को ऑफ कर लीजिए कॉपी करते वक्त, तो यहां पर F8 प्रेस करके ऑर्थो को ऑफ कर लेता हूं। यहां पर हम लोग हॉल के लिए, यहां पर हम लोग किचन के लिए, यहां पर डाल सकते हो आप पैसेज, यहां पर स्टेयर डाल सकते हो, यहां पर बात के लिए, यहां पर WC के लिए, और यहां पर बात के लिए। यहां पर हम लोग चेंजेस करेंगे अब इन सब में, तो डबल क्लिक करना है यहां पर, सिलेक्ट करके लिविंग रूम, और यहां पर इसके साइज भी चेंज कर देंगे। यहां पर जो साइज है वो 19 फीट बाय 6 इंच, और यहां पर जो साइज है वो है 17 फीट 9 इंच। यहां पर साइड पे क्लिक करना है, यहां पर डबल क्लिक किचन के लिए,
तो फास्टली मैं ये सारे चेंजेस कर लेता हूँ। चलिए अब हम लोग विंडो और डोर के लिए भी यहाँ पर टैग्स दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं डोर के लिए डी और विंडो के लिए डब्ल्यू के इस्तेमाल करके इसे टैग कर देता हूँ। चलिए मैं इसे जल्दी से ट्रैक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सारे डोर्स और विंडोज़ को यहाँ पर टैग कर दिया है D1, D2, D3 या फिर W1, W2, W3 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अपने वॉल्स में हैचिंग करने वाले हैं। तो हैचिंग करने के लिए यहाँ पर आपको हैचिंग की लेयर सेलेक्ट करनी है, हैचिंग, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हैचिंग ऑप्शन अवेलेबल है। तो अपने वॉल में यहाँ पर हैचिंग दिखाना ज़रूरी है, तो आप एच एंटर भी कर सकते हो, शॉर्टकट आप प्रेस कर सकते हो एच एंटर। तो हैचिंग के लिए एच एंटर प्रेस करते हो या फिर आप यहाँ पर हैचिंग क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको पैटर्न सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। देखिए आप सॉलिड हैचिंग या फिर यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैचिंग ले सकते हो। फिलहाल मैं इस हैचिंग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आप हैचिंग इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हैचिंग, देखिए इसकी साइज थोड़ी सी छोटी है, तो स्केल हम लोग बाद में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सारे आपको अंदर साइड में क्लिक करना है, सारे रीजन्स पे याद रखिए कि पूरा रीजन आपको दिखाई देना चाहिए। अगर आप जूम करते हो तो आपको हैचिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह से आपको रीजन फिल करना है क्लिक करके। तो सारे वॉल्स में मैंने यहाँ पर हैचिंग कर लिया है। तो यहाँ पर आपको इस गैप को इसके बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर आप स्केल बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पर 15 एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारे हैचिंग का मैंने यहाँ पर स्केल चेंज कर दिया है 15 करके। तो इस टाइप से आप इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से स्केल। तो यहाँ पर मैंने 15 कर दिया है। पैटर्न चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हो। कलर चेंज करना है अपने पैटर्न का तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से हम सारे सेटिंग्स में कर सकते हैं। स्केप करता हूँ मैं यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर क्लोज एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने अपने प्लान में हैचिंग कर लिया है। चलिए अब बारी है अपने प्लान में फर्नीचर प्लेस करने की। तो जनरली हम लोग जो फर्नीचर यूज़ करते हैं वो रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने सारे फाइल्स अवेलेबल कर दी है अपने डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी। उसे अपने इस फाइल में इंसर्ट करना होगा, उन सारे ब्लॉक्स को इंसर्ट करना होगा, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है इंसर्ट ब्लॉक। इसका इस्तेमाल करके हम अपने सारे ब्लॉक्स को अपने फाइल में इंसर्ट करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। हम लोग अगर यहाँ पर फर्नीचर बनाएंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो फर्नीचर का यहाँ पर हम लोग नहीं बनाएंगे, रेडीमेड फर्नीचर इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर फर्नीचर की लेयर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट फर्नीचर पे यहाँ पर क्लिक करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है इंसर्ट ब्लॉक। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है इंसर्ट ब्लॉक फ्रॉम अदर ड्राइंग्स, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने एक ड्राइंग यहाँ पर सेव कर रखी है अपने पीसी में, तो मैं यहाँ पर ब्लॉक फ्रॉम अदर ड्राइंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर 2020 वर्जन में इस तरह का कुछ ब्लॉक का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर थ्री डॉट्स पे यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है आपके, आप अगर कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट आपका ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कहाँ पर यहाँ पर जाना है, आपने कहाँ पर ब्लॉक्स अपने सेव कर रखे हैं वहाँ पर आपको जाना है। तो मैंने अपने ब्लॉक्स को यहाँ पर एफ ड्राइव में ब्लॉक्स और लाइब्रेरी यहाँ पर रेडीमेड ब्लॉक्स यहाँ पर सेव कर रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर सारे ब्लॉक्स अवेलेबल है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हो गए हैं, यहाँ पर रेडीमेड फर्नीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं। 2020 वर्जन में कुछ इस तरह का यहाँ पर ब्लॉक्स डायलॉग बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा एडवांस है हमारे पुराने वर्जन से। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं स्केल स्केल वगैरह के, जैसे कि हम लोग अगर किसी ब्लॉक को इंसर्ट करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। और अगर आप यहाँ पर स्केल पर यहाँ पर चेक मार्क रखते हो
तो यहाँ पर इंसर्ट अगर आप करोगे यहाँ पर किसी भी ब्लॉक को, तो आप इसकी स्केल भी कर सकते हो। देखिए इसकी साइज़ जो है वो चेंज हो रही है, देखिए यहाँ पर स्केल हो गया है ये साइज़। इस तरह से स्केल भी कर सकते हो आप यहाँ पर। मैं यहाँ पर इसका तो इस्तेमाल फिलहाल नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ अपने ब्लॉक्स को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बेडरूम के लिए बेड इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बेड अवेलेबल है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ, मिड पॉइंट पे, तो बेड हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। फिर से क्लिक करूँगा यहाँ पर एक बेड, और क्लिक करके यहाँ पर एक बेड इंसर्ट करूँगा। अगर आपके कंप्यूटर में ये जो ब्लॉक्स है उनकी साइज कम आ रही है, यहाँ से आप इंसर्ट यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर भी ब्लॉक्स आ गए हैं, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो आप अपने ब्लॉक्स को। तो पुराने वर्जन में आप यहाँ से ब्लॉक्स को इंसर्ट कर सकते हो। अगर साइज में आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप इसे स्केल करके बड़ा या छोटा कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस ब्लॉक को सिलेक्ट किया, यहाँ पर स्केल ऑप्शन अवेलेबल है, स्केल करेंगे इसे, तो स्केल पर क्लिक कर सकते हो आप। और उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, किसी भी पॉइंट को बेस पॉइंट ले सकते हो, और आप देख सकते हो कि फ्री हैंड हम इसे स्केल कर सकते हैं छोटा या फिर बड़ा। तो इस तरह से आप छोटा भी कर सकते हो क्लिक करके, या फिर सिलेक्ट करके स्केल, बेस पॉइंट, और यहाँ पर इसकी साइज इंक्रीज भी कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से आप स्केल कर सकते हो अगर आपके कंप्यूटर में इसकी साइज छोटी नजर आ रही है तो। चलिए और भी ज्यादा ब्लॉक्स यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं बाकी के ब्लॉक्स। तो मैं यहाँ पर बेडरूम के लिए यहाँ पर मैं सोफा ले लेता हूँ किसी भी टाइप का। यहाँ पर एक सोफा इंसर्ट करते हैं, इसे रोटेट करते हैं, आर ओ एंटर, इसे रोटेट कर लेते हैं, 90 डिग्री ऑर्थो ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर इंसर्ट, और इसे ड्रैग करके यहाँ पर ले लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं, सी ओ फॉर कॉपी, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पर, तो इसे हम लोग रोटेट कर देते हैं फिर से, आर ओ फॉर रोटेट, मूव करेंगे इसको। देखिए मैंने सारे यहाँ पर लगा लिए हैं। अब चलिए यहाँ पर कोई कबर्ड वगैरह इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कबर्ड के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे कोई भी कबर्ड का फर्नीचर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर ऑलरेडी मेड ब्लॉक्स को यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ क्लिक करके। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करके सारे फर्नीचर्स को इंसर्ट कर लिया हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब इसको क्लिक करना है और एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले एक्स एंटर, अलग अलग करने के लिए एक्स एंटर। तो यहाँ पर मैंने सारे फर्नीचर्स को यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया है। सबकी लेयर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं फर्नीचर के लेयर में। तो यहाँ पर फर्नीचर के लेयर को सिलेक्ट करते हैं, सारे अब ऑब्जेक्ट फर्नीचर के लेयर में आ गए हैं। तो यहाँ पर कबर्ड्स इस तरह का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सी ओ फॉर कॉपी। तो इसका मैं कॉपी करके अपने प्लान में फिट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं फिट कर देता हूँ। देखिए इसकी साइज़ बहुत ही छोटी नज़र आ रही है, तो स्केल करते हैं इसे, सिलेक्ट स्केल, बेस पॉइंट इसे देते हैं, और इसे स्केल करके बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बड़ा कर लिया है, कॉपी करेंगे इसे, कॉपी करके यहाँ पर, और इस पॉइंट पे भी हम लोग इसे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर रख देते हैं इसे। तो मैं इसे मूव करके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग इसमें और भी कुछ ब्लॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मैंने यहाँ पर सारे ब्लॉक्स को इंसर्ट कर लिया है, सारे फर्नीचर्स यहाँ पर मैंने लगा लिए हैं। आपको अगर इन सब में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक डायरेक्शन के लिए सिंबल दिखा देता हूँ, यहाँ पर ट्रायंगल का सिंबल मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉलम की लेयर ले लेता हूँ, तो इस लेयर में मैं सॉरी टेक्स्ट की लेयर यहाँ पर ले लेता हूँ। टेक्स्ट के लिए यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, उसे हैचिंग करते हैं, एच एंटर, और यहाँ पर सॉलिड हैचिंग करेंगे हम लोग, देखिए इस तरह से, और इसका कलर हम लोग चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके बाय लेयर में जाके यहाँ पर रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, अप के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट डाल देता हूँ, अप टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर 8 इंच, एंटर, साइड पे क्लिक। यहाँ पर अप के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंबल बना लिया है, तो यहाँ पर इसको कॉपी कर सकते हो आप, जहाँ पर भी आपके स्टेयर्स हैं वहाँ पर आपके लिए यहाँ पर आप सिंबल दिखा सकते हो,
यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर आप रोटेट कर लीजिए, आर ओ फॉर रोटेट, और इसे मूव करके आपको प्लेस कर देना है यहाँ पर। उसके बाद इसे भी आप रोटेट कर लीजिए, आर ओ फॉर रोटेट, तो ये सिंबल्स मैंने डाल दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें अपने प्लान में कॉलम्स फिट करना है, तो यहाँ पर आप कॉलम की लेयर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको कॉलम ड्रॉ करना है। तो जो साइज आपके कॉलम का होगा उस साइज का आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर फिट करने वाला हूँ 9 इंच बाय 9 इंच, कॉमा कॉमा करना है, और यहाँ पर 15 इंच प्रेस करना है, एंटर करना है। यहाँ पर मैंने एक कॉलम ड्रॉ कर लिया है, हैचिंग कर लेते हैं इसे, एच एंटर, और एच एंटर करने के बाद यहाँ पर सॉलिड हैचिंग हम लोग इस पर करते हैं, स्केप करेंगे। इस कॉलम को हम लोग कॉपी करेंगे और प्लेस करेंगे, सी ओ फॉर कॉपी और सी ओ फॉर कॉपी, एंटर, और इस पॉइंट को हम लोग कॉपी करेंगे इस पॉइंट पे। फिर यहाँ पर मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर भी रखूँगा इन कॉलम्स को। इसकी ओरिएंटेशन आप चाहो तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, इसे रोटेट कर लेते हैं, आर ओ फॉर रोटेट। यहाँ पर मैं ऑर्थो मोड को ऑन करके रोटेट करूँगा 90 डिग्री में, सी ओ फॉर कॉपी कर लेते हैं फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर मैच कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको मैचअप करना है इन पॉइंट्स को, पर फिर से इसे सिलेक्ट, सी ओ फॉर कॉपी, इसे यहाँ पर मैच कर देते हैं, और यहाँ पर जो कॉलम होगा उसे हम लोग वर्टिकली प्लेस करेंगे इस टाइप के कॉलम को। तो सी ओ एंटर, इस पॉइंट को लेना है आपको और यहाँ पर प्लेस कर देना है। इसी तरह से आप सारे कॉलम्स को प्लेस कर सकते हो अपने प्लान में। तो मैं फास्टली अपने प्लान में सारे कॉलम्स को प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे कॉलम्स को यहाँ पर प्लेस कर लिया है, आप देख सकते हो सारे कॉलम्स यहाँ पर प्लेस हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें अब लास्ट स्टेप, यहाँ पर हमें इसके मेजरमेंट्स को शो करना है। तो मेजरमेंट्स को शो करने के लिए आप यहाँ पर एनोटेशन टूलबार का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको सारे डायमेंशन यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपल लीनियर का इस्तेमाल करना है। तो लीनियर का इस्तेमाल हम लोग इसमें करेंगे, तो लीनियर में यहाँ पर ले लेता हूँ सबसे पहले, यहाँ पर लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं डायमेंशन के लिए। तो यहाँ पर डायमेंशन आप देख सकते हो लेयर, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, डायमेंशन की लेयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर लीनियर की लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट डायमेंशन यहाँ पर इस प्लॉट के लिए यहाँ पर डालूंगा। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पर डायमेंशन डाला है उसकी साइज बहुत ही ज़्यादा छोटी आ रही है, और यहाँ पर सारे मेजरमेंट्स आपको मीटर में शो हो रहे हैं, मीटर या फिर दूसरे मेजरमेंट में शो हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इस डायमेंशन के सेटिंग्स करने होंगे। तो चलिए डायमेंशन के सेटिंग करते हैं। तो डायमेंशन के सेटिंग करने के लिए आपको डी एंटर करना है, डायमेंशन स्टाइल, डी एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपका डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में आपको यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक करना है। तो मॉडिफाई पे हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्राइमरी यूनिट्स में आपको जाना है, प्राइमरी यूनिट्स, और यहाँ पर आपको डेसिमल की जगह यहाँ पर आर्किटेक्चरल कर देना है। तो आर्किटेक्चरल जैसे ही करोगे यहाँ पर फिट इंचेस शो होगा, एक्यूरेसी आप 1/4 की रख सकते हो। यहाँ पर मैंने आर्किटेक्चरल और 1/4 यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। चलिए प्राइमरी यूनिट में दो सेटिंग हमने कर लिए हैं, अब टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट का मतलब होता है जो हमें जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आएगा उसकी साइज हमें यहाँ पर सेट करनी होगी। तो यहाँ पर टेक्स्ट हाइट आप देख सकते हो, यहाँ पर टेक्स्ट हाइट, तो टेक्स्ट हाइट की साइज मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ 8 इंच कर देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट हाइट हमने सेट कर लिया है। यहाँ पर आपको अलाइन विद डायमेंशन कर लेना है, सेटिंग अलाइन विद डायमेंशन। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंबल्स एंड एरो पे जाना है, और एरो की साइज, एरो का टाइप भी सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, आर्किटेक्चरल टिक। तो इस तरह से आप यहाँ पर आर्किटेक्चरल सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आप एरो की साइज सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एरो की साइज कर देता हूँ, यहाँ पर 6 इंच कर देते हैं। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है 6 इंच, और यहाँ पर मैं ओके प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब हमारे प्लॉट की साइज हमें नजर आ रही है, यहाँ पर आर्किटेक्चरल टिक हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर डायमेंशन के इतने सेटिंग्स आपको कर लेने हैं। अब आप लीनियर का इस्तेमाल करके अपने प्लॉट के डायमेंशन यहाँ पर डाल सकते हो। तो चलिए थोड़ी सी मैं साइज यहाँ पर टेक्स्ट की बढ़ा देता हूँ, डी एंटर, टेक्स्ट में जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 इंच कर देता हूँ,
और यहाँ पर एरो की जो साइज़ है उसे 8 इंच कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर ली है। चलिए अब बाकी के डायमेंशन भी यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे कि ये जो है यहाँ पर 5 फीट, यहाँ पर इस तरह से, इस यहाँ से भी 5 फीट, इसे भी हम लोग यहाँ पर 15 फीट यहाँ पर गैप है, और यहाँ पर 5 फीट। फ्रंट साइड में हमें यहाँ पर 10 फीट डालना है। यहाँ पर पोर्च बनाना हम अब बाकी रह गया है, तो पोर्च बना लेते हैं हम लोग। पोर्च के यहाँ पर पोर्च सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर पोर्च के लाइन पॉली लाइन से ड्रॉ करेंगे, PL फॉर पॉली लाइन। इस तरह से इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पर 1 फीट 6 इंच यहाँ पर जाएंगे, और फिर यहाँ पर बाहर की तरफ यहाँ पर 1 फीट और 6 इंच यहाँ पर जाएंगे। फ्रंट साइड में हम यहाँ पर जा सकते हैं, टोटली यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है 8 फीट, एंटर। यहाँ पर हम लोग 22 फीट यहाँ पर एंटर करेंगे, 22 फीट, और यहाँ पर हम लोग क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पोर्च के लाइन्स यहाँ पर ले लिए हैं। ऑफसेट करते हैं इस पोर्च के लाइन को 1 फीट, 1 फीट पे ऑफसेट करेंगे अंदर की साइड में यहाँ पर। तो इस तरह से ऑफसेट कर लेते हैं। इन लाइंस को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पर। इसे टाइप थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर लाइन टाइप स्केल को हम लोग 15 कर देते हैं, स्केप। तो यहाँ पर मैंने पोर्च ड्रॉ कर लिया है, इसके कॉलम्स को भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल से ड्रॉ करेंगे इसके कॉलम्स। मैं यहाँ पर कॉलम की लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्कल, सी फॉर सर्कल, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर डालता हूँ 8 इंच, एंटर। ऑफसेट करेंगे यहाँ पर, ओ एंटर, 2 इंच का यहाँ पर ऑफसेट रखेंगे हम लोग, 2 इंच, और यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सी ओ एंटर, मिड पॉइंट से प्लेस करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कॉलम्स प्लेस कर लिए हैं। तो चलिए डायमेंशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लीनियर डायमेंशंस, यहाँ पर इस वॉल के डायमेंशन हम लोग डाल देते हैं, सॉरी यहाँ पर लेयर चेंज करना होगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डायमेंशन एंड देन यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा 3 BHK प्लान पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अगर इस प्लान में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ऑटोकैड के दूसरे कमांड सीखने हैं तो आप हमारे दूसरे भी वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने कमांड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एलिवेशन बना के दिखाने वाला हूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में हम इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे।